गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो आप सब? जल्द जल्द सभी के सभी एक बार फीडबैक दें और मेरी आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर वे में आप तक आ रही है या नहीं आ रही है। जो यहाँ पर लिखा है मैंने वो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? प्लीज़ एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी फीडबैक दें। और तो जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में भी हम बहुत ही शानदार वाले टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, ठीक है। देखो, आर्ग्यूमेंट को हम पढ़ रहे थे, जो लॉजिकल रीजनिंग की जो यूनिट है इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। और ये समझो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो ये वाला यूनिट है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं होता। मैथ रीजनिंग वो भी उनका कमज़ोर होता है, लॉजिकल रीजनिंग भी कमज़ोर होता है, और ये जो यूनिट है वो उन सभी कैंडिडेटों के लिए तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिनका मैथ रीजनिंग और DI कमज़ोर है, ठीक है। उनको तो इस यूनिट को बहुत ही गजब तरीके से रट के पी जाना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन बने तो उसको वो हर हाल में ठीक करते हैं, ठीक है। कल हम आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। आर्ग्यूमेंट के बारे में मैंने बताया था कि जो तर्क होता है वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, वैध भी हो सकता है, अवैध भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आर्ग्यूमेंट के सोपानों के बारे में, कि हम एक तर्क तक कैसे पहुँचते हैं, ठीक है। आधार वाक्य होते हैं, तो आधार वाक्य से तर्क तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फेज हैं जिनका हम क्रॉस करते हुए हम आधार वाक्यों से निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, समस्या की पहचान की जाती है कि आखिरकार समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी पहचान की जाती है। जब समस्या की पहचान हो जाती है तो उसके बाद आंकड़ों तक पहुंचने का काम किया जाता है, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको कलेक्ट करने का काम किया जाता है। आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया, आंकड़ों के बारे में पता चला लिया, उसके बाद में अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। और अनुमान के अनुसार ही बाद में क्या कर लिया जाता है, निष्कर्ष निकाल दिया जाता है, ठीक है। अनुमान के अनुसार प्रयोग किया जाता है और लास्ट में फिर निर्णय लेना लिया जाता है, और जो निर्णय है वो ही निष्कर्ष होता है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आधार वाक्य, सबसे पहले हम आधार वाक्यों को पढ़ेंगे। जब आधार वाक्य को पढ़ेंगे तो वहां से हमें सबसे पहले समस्या को पहचानना होगा भाई, वो आधार वाक्य को पहचानना होगा कि आखिरकार हम जो निष्कर्ष देने वाले ना वो हमारा निष्कर्ष किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। हमारा निष्कर्ष किससे रिलेटेड होगा इसकी हमें पहचान करनी होगी, और इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना होगा, आधार वाक्यों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। हमने आधार वाक्यों को पढ़ लिया, उसके बाद में हमें समस्या की पहचान के बारे में पता चल गया, हमने समस्या को पहचान लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस समस्या से रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं उन सभी को हम इकट्ठा करेंगे, उस समस्या से रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं वहां तक पहुंचने का काम करेंगे। जब हम आंकड़ों तक भी पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अनुमान तक पहुंचेंगे। भाई समस्या के बारे में पता चल गया, समस्या से रिलेटेड जो आंकड़े थे उनके बारे में पता चल गया, तो फिर हम क्या करेंगे, अनुमान लगाने की तरफ जाएंगे, हम अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। जब अनुमान भी लगा लेंगे तो फिर हम अनुमान के अनुसार प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, अनुमान के अनुसार प्रयोग करेंगे, और लास्ट में हम एक कॉन्क्लूजन निकाल देंगे, एक निर्णय दे देंगे, एक निष्कर्ष निकाल देंगे। और जो ये हमारा निर्णय होगा ना, ये तर्क होगा, ये क्या होता है, तर्क होता है, ठीक है। तो ये तर्क के सोपान थे, ये समझो यहाँ के अलावा आपको कहीं पर नहीं पढ़ने को मिलेंगे ये सारी चीजें, केवल यहीं पर ही पढ़ने को मिल रहे हैं, ये समझो आप। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में, आर्ग्यूमेंट के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।
और इसमें सबसे पहला जो फेमस दो आर्गुमेंट के टाइप हैं, एक होता है डिडक्टिव मेथड और एक होता है इनडिडक्टिव मेथड। ठीक है, एक डिडक्टिव मेथड होता है, एक इनडिडक्टिव मेथड होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक मैं आपका डाउट ये यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, आप जिस भी किताब में पढ़ोगे, मोस्टली टीचरों के पास पढ़ोगे, तो वो जो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट है उसमें आपको या तो डिडक्टिव और इनडिडक्टिव ये दोनों टाइप पढ़ाएंगे, उसके बाद में आगे नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम पहले डिडक्टिव इनडिडक्टिव दोनों को पढ़ेंगे और फिर आगे इसी यूनिट में मैं आपको डिडक्टिव और इनडिडक्टिव इन दोनों को बहुत ज्यादा डिटेल के साथ भी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में या फिर पेपर में, ओवरऑल पेपर की बता रहा हूँ, पेपर में डिडक्टिव और इनडिडक्टिव मेथड से हर बार कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है जो डिडक्टिव और इनडिडक्टिव से रिलेटेड होगा, तो हमें इसको बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू आर्ग्यूमेंट पढ़ा देता हूँ, बाद में आपको इसी यूनिट में आगे मैं डिडक्टिव इनडिडक्टिव को और भी ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ा दूंगा। अब देखो, निगमनात्मक आगमनात्मक विधि होती है, अब मैं यहां से पहले एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सामान्य से विशेष की ओर जाना। इसको मैं एक बोल रहा हूं, ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर जाना, इसको मैं यहां पर दो बोल रहा हूं, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी स्पीड से इनका मिलान करके बताओ कि कौन सा किसके साथ संबंधित है, बिल्कुल फास्ट आंसर आना चाहिए सभी के सभी कैंडिडेटों का। जितना ज्यादा फास्ट आंसर, जितना जल्दी फास्ट आंसर दे सकते हो उतना फास्ट आंसर दो इसका। रेशमा ने इसका आंसर दिया है, और ध्यान रखना इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि आप खुद जिसको नहीं आ रहा है वो और भी ना तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को खोल कर देखेगा एक बार। और मैंने तो गलती कर दी कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बता दिया, तो भाई ये टॉपिक टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड में ये भी नहीं बताना चाहिए था, ताकि आप इसके बहाने एक बार नोट्स को खोल कर तो देखती कि चलो ये भी कुछ ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पर पढ़ा दिया गया है, वरना आपको टाइम कहाँ मिलता है। बहुत बिजी कैंडिडेट हो भाई लोगों आप, और आप ध्यान रखना संडे टू संडे टेस्ट होगा, बस शेड्यूल बनाऊंगा फिक्स, ठीक है, संडे टू संडे टेस्ट का शेड्यूल बनाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। चलो, डिडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिस तर्क में, ठीक है, देखो, जिस तर्क में आधार वाक्य निष्कर्ष की सत्यता के लिए साक्ष्य प्रदान करते हैं उसे निगमनात्मक तर्क कहते हैं। निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष हमेशा आधार वाक्य से निकलता है। अब देखो, ये जो पहली वाली लाइन है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, यहाँ पर डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन हमें इसी लैंग्वेज में पढ़ना होगा। हम यदि इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो पेपर में समझ में नहीं आएगा, हमें यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में पढ़ना है, ताकि हम लैंग्वेज समझने में थोड़े से पावरफुल हो जाए। तो इस आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश करो कि जिस तर्क में आधार वाक्य निष्कर्ष की सत्यता के लिए साक्ष्य प्रदान करते हैं, मतलब जिस तर्क में जो आधार वाक्य है वो निष्कर्ष को सत्य साबित करने के लिए क्या करते हैं, सबूत देते हैं। ठीक है, जिसमें आधार वाक्य सबूत देते हैं कि भाई जो निष्कर्ष है ना वो बिल्कुल 100% ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो कंक्लूजन है, यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो किसके बेस पर निकल रहा है,
कंप्लीटली आधार वाक्यों के बेस पर निकल रहा है, जिसके बेस पर कंप्लीटली आधार वाक्यों के बेस पर निकल रहा है। ठीक है, अब मैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया कि सभी महिलाएं गृहिणी हैं। अब कुछ लोगों को गृहिणी का मतलब नहीं पता होगा, हाउसवाइफ बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ममता एक महिला है, ठीक है, अतः ममता एक गृहिणी है। अब देखो प्यारे साथी, ये दो आधार वाक्य थे। पहला आधार वाक्य था कि सभी सभी जो महिलाएं हैं वो गृहिणी है, और ममता क्या एक महिला है। अब हम इन दोनों आधार वाक्यों के बेस पर यदि निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि ममता एक गृहिणी है। ये निकलेगा कि ममता एक गृहिणी है, ये निकलेगा ना कि भाई सभी महिला गृहिणी है, ममता एक महिला है। इन दोनों आधार वाक्यों के बेस पर यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं तो वो निकलेगा हमारा कि ममता एक गृहिणी है। क्या है? ममता एक गृहिणी है। तो यहां पर ये जो निष्कर्ष है वो किसके बेस पर निकल रहा है? इन दो आधार वाक्यों के बेस पर निकल रहा है। और मैंने स्टार्टिंग की पहली वाली क्लास में बता दिया था कि आधार वाक्य और निष्कर्ष क्या होते हैं, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका, इसलिए मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आधार वाक्य की आप पहचान किस तरीके से करोगे, निष्कर्ष की पहचान किस तरीके से करोगे। आधार वाक्य के जो दो टाइप थे वो भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। निगमनात्मक तर्क में उचित एवं अनुचित के स्थान पर वैध और अवैध शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आधार कौन है सर, देख लो संध्या ने पूछ लिया आधार। हाँ संध्या जी, एक बार पहली वाली क्लास को देखना, आप फर्स्ट डे हो इस क्लास में, तो कल वाली क्लास को देख लेना एक बार, जो हो चुकी है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो जो निगमनात्मक शब्द है ना, यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब वो क्या बनेगा कि निगमनात्मक तर्क उचित और अनुचित दोनों तरीके का होता है, तो अब बताओ ये सही है या गलत है। भाई निगमनात्मक जो तर्क होता है ना वो ना तो उचित होता और ना अनुचित होता। जो निगमनात्मक तर्क होता है ना वो या तो वैध होता है या फिर वो अवैध होता है। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि जो निगमनात्मक तर्क है, जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, वो उचित और अनुचित दोनों ही नहीं होता, बल्कि वो या तो वैध होता है या फिर वो अवैध होता है। ठीक है, जहां से स्टेटमेंट टाइप का बन सकता है क्वेश्चन, निगमनात्मक युक्ति तब वैध होती है। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं दो कंडीशन के बारे में, और इन दोनों कंडीशनों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो निगमनात्मक तर्क होता है या तो वैध होता है या अवैध होता है। अब कौन सी स्थिति है जब आप निगमनात्मक तर्क को वैध कहोगे, और कौन सी स्थिति है जब आप निगमनात्मक तर्क को अवैध कहोगे। ठीक है, वैध और अवैध इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वैध कौन सी स्थिति में होगा और अवैध कौन सी स्थिति में होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैध होता है, जब इसके आधार वाक्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए पूर्ण और निश्चयात्मक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसको पढ़ लिया, अब नीचे आ जाओ। कि जब निगमनात्मक युक्ति अवैध है, जब इसके आधार वाक्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए निश्चयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। भाई दो कंडीशन है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के बारे में आपको बता दिया कि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है उसमें जो निष्कर्ष है वो कंप्लीटली आधार वाक्यों के बेस पर निकलता है। अब जो निगमनात्मक तर्क है वो वैध है या अवैध है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? जब आधार वाक्य ये साक्ष्य दे रहे हैं, ये सबूत दे रहे हैं कि ये जो निष्कर्ष निकला है ना वो 100% हमारे बेस पर ही निकला है, तो इस स्थिति में तो हम क्या कहेंगे, उस आर्ग्यूमेंट को वैध मानेंगे। दूसरी कंडीशन, जब आधार वाक्य कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि ये जो निष्कर्ष निकला है ये हमारे बेस पर निकला है, हो सकता है कि इन्होंने कोई दूसरा आधार भी मान लिया हो सकता है इन्होंने केवल अनुमान लगाया हो, तो इस स्थिति में अवैध होता है। तो मैं सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, जब निष्कर्ष पूर्णतः आधार वाक्यों के द्वारा निकलता है, ठीक है, जब निष्कर्ष पूर्णतः आधार वाक्य को सिद्ध करता है,
ठीक है, या जब आधार वाक्य पूर्णतः निष्कर्ष को सिद्ध करते हैं, तो इस स्थिति में तो क्या होगा, निगमनात्मक तर्क 100% वैलिड होगा। और जब निष्कर्ष आधार वाक्यों से नहीं निकल रहा है, जब निष्कर्ष पूर्णतः आधार वाक्यों से नहीं निकल रहा है, जब निष्कर्ष 100% आधार वाक्यों को से नहीं निकल रहा है, या फिर आधार वाक्य जो निष्कर्ष है उसको साक्ष्य नहीं दे रहे, तो इस स्थिति में क्या होगा, निगमनात्मक जो तर्क है वो अवैध होगा। ठीक है, तो जब आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकलता है तो इसको वैध कहेंगे, और जब आधार वाक्यों से निष्कर्ष नहीं निकलता है तो उसको हम अवैध कहेंगे। जब एक पूर्ण साक्ष्य दे रहे हैं, कंप्लीटली सबूत दे रहे हैं, आधार वाक्य पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि यार निष्कर्ष तो हमारे बेस पर ही निकाला गया है, तो उसको आप वैध कहोगे। और जब आधार वाक्य ही कंफ्यूजन वाली कंडीशन में बोल रहे हैं, तो पता नहीं यार हमारे आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है या फिर वैसे निकाला गया है, तो इस स्थिति में जो निगमनात्मक तर्क है वो अवैध होगा। निगमनात्मक युक्ति की वैधता है ना, उसके आकार के द्वारा होती है भाई। निगमनात्मक युक्ति या तर्क वैध होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस युक्ति के आकार के ऊपर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, देखो निगमन तर्क में कोई व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर किसी सिद्धांत का निरूपण करता है। जो निगमनात्मक तर्क होना, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने खुद के अनुभव के आधार पर एक निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, निगमनात्मक तर्क में कोई व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर किसी सिद्धांत का निरूपण करता है या किसी नियम का निरूपण करता है। तो ओवरऑल फिर से मैं एक शब्द में कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने खुद के अनुभव के आधार पर एक निष्कर्ष निकाल रहा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, निगमनात्मक तर्क कहेंगे। अब एक प्यारा सा एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, जैसे मैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, भाई खराब बन जाए ना तो बेइज्जती मत करना, मैं आपको कुछ यूनिक तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो तेरी ये तो यही खराब बन गया, इसकी बेचारे एक बीमारी हो गई, इसलिए इसका जो पीछे का पाँव है उसमें थोड़ा सूजन आ गया, बीमार चल रहा है ये। मैं बनाना शेर चाह रहा था, ये बन सुअर जैसा गया। ठीक है, जो भी है, दिखने में गाय लग रही है, गाय है जो अपनी पीठ पूंछ है उसको ऊपर कर रखी है, ये दो ऊपर गाय के सींग है। ठीक है, और इसके यहाँ पर कोई चोट लगी थी जिसकी वजह से इसके यहाँ पर सूजन आ गया, डॉक्टर तो दिखाएंगे इसको हम, आपने इसको देखा और आपको पता चल गया ये गाय है, आपने क्या पहचान की कि भाई जो गाय है ना उसके क्या होते हैं, चार पांव होते हैं। ठीक है, एक पूंछ होती है, सफेद रंग होता है, ठीक है, दो सींग होते हैं, दो कान होते हैं, एक मुंह होता है, मुंह के ऊपर दो नाक होते हैं, एक नाक होता है जिसमें आदमियों की तरह दो बोल होते हैं। आपने ये गाय का एक स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा दूसरा जानवर दिखा दिया, आप कहीं जा रहे थे, आपको पता है ये गाय है, गाय का जो भी फीचर है, गाय के जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता था। ठीक है, आपने पता चला लिया कि गाय के चार पांव है, एक पूंछ है, इसके अलावा दो सींग है, दो कान है, एक मुंह है। ठीक है, दूध देती है गाय, ये भी आपने पता चला लिया। अब आप रास्ते में कहीं पर जा रहे थे, अचानक आपने बिल्कुल एक ऐसा ही जानवर देखा जिसके चार पांव थे, एक पूंछ थी, एक मुंह था, दो कान थे, दो सींग थे, और वो सफेद रंग का था। तो आप क्या करोगे, तुरंत पहचान जाओगे कि ये क्या है, ये तो गाय है। तो यहाँ पर वो जो बहुत सारे जानवरों की भीड़ थी, बहुत सारे जानवरों का जो झुंड था, उसमें आपने गाय को ऑटोमेटिकली पहचान लिया। ठीक है, आपने तर्क दे दिया कि भाई ये जितना भी झुंड है ना, इसमें एक गाय भी है।
अब आपने उस गाय को किस बेस पर पहचाना? अपने एक्सपीरियंस के बेस पर पहचाना, क्योंकि आपको पता था कि गाय की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, गाय की विशेषताएं क्या क्या हैं, और आपने उसी के आधार पर उस पूरे झुंड में से गाय को अलग तरीके से पहचान लिया। यह कमाल किसका है? केवल और केवल डिडक्टिव आर्गुमेंट का कमाल है ये। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी जल्दी बता दो सभी के सभी। और ध्यान रखना, अब आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे, आपको गाय सदा याद रहेगी। जैसे आप गाय के जैसा कोई जानवर देखोगे ना, तुरंत आपको ध्यान आएगा। अब आप थोड़ा ब्राउन कलर का दूसरा जानवर भी देख लोगे ना, जिसके चार पांव है, एक पूंछ है, दो कान है, दो सींग है, मुंह है, तो आप ये भी आइडिया लगा दोगे कि यार एक ऐसा है जानवर गाय भी रहती है। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक ही जानवर में मैंने सभी बना दिए, ये मेरा खुद का टैलेंट है। ठीक है, ये मेरा टैलेंट है, साइंटिस्टों को पता ना चल जाए बस। भगवान को भी नहीं पता था कि ऐसे ऐसे भी इंसान है जो एक ही बना सकते हैं सभी चीजों को। भगवान तक नहीं पहुंचनी चाहिए ये रणनीति, ये जो मेरा डायग्राम, इसके बारे में भगवान को नहीं पता चलना चाहिए। किसी भी तरीके से छुपा के रखना है और किसी को बताना भी मत। और आप बनाओ ना तो ऐसे छुपके बनाना। चलो ठीक है, रियली में बनाना शेर चाह रहा था मैं, लेकिन बन ना तो पाए रहा ना सुअर रहा, क्योंकि चेहरा इसका सुअर जैसा बन गया, पूंछ इसकी शेर जैसी हो गई, ठीक है, पीछे से पांव गैंडे जैसे बन गया। गाय बता रहा हूं मैं, उसमें भी मैं फिक्स गाय नहीं बनाया, बुल वाला सीन भी हो सकता है, मेल फीमेल उसका भी मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया था यहाँ पर। तो ये ओवरऑल हमारा डिडक्टिव मेथड था। अब हम इंडिडक्टिव को पढ़ते हैं, आगमनात्मक तर्क को पढ़ते हैं। देखो तो आगम, इसको डिटेल्स और पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, इस प्रकार के तर्क में सबसे पहले तथ्यों का संकलन किया जाता है। जो आगमनात्मक, देखो जो निगमनात्मक है उसमें क्या कर रहे हैं, आधार वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है, अनुभव के आधार पर नियम सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इस प्रकार के तर्क में सबसे पहले तथ्यों का संकलन किया जाता है, मतलब सबसे पहले जो तथ्य है उनको इकट्ठा किया जाता है, जो तथ्य एकत्रित तो हो जाते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके पश्चात किसी सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या किया जाता है, पहले डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। आगमनात्मक में क्या होता है, पहले डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, उन डाटाओं को इकट्ठा कर लिया, फिर उन डाटाओं का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके आधार पर क्या किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। अब मैं इसको आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने क्या किया था, एक गाय को देखा था आपने और झुंड में से गाय को पहचान लिया था। इसमें क्या होगा, एक जानवरों का झुंड है। ठीक है, उसमें मैं आपको समझाऊं, भाई ये जानवरों का झुंड है। ठीक है, यहाँ पर मैं जानवर कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, समझ जाना, अलग अलग कैटेगरी के जानवर हैं ये सभी के सभी, मतलब ये एलियन है, पृथ्वी पर आ गए, उनको हमने बना दिया यहाँ पर। अब इसमें अलग अलग जानवर, अब मैं इनमें से एक एक को बताऊं। तो देख भाई, ये है ना ये वाला जानवर, इसको हम भैंस बोलते हैं गाय में, और इसको हम गाय बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, ये झुंड है, झुंड में बहुत सारे जानवर है, मैंने बताया कि देख भाई इसको तो हम क्या बोलते हैं, भैंस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम गाय बोलते हैं, बट दोनों में केवल एक अंतर है, भैंस का रंग ब्लैक रहता है और गाय का रंग व्हाइट होता है, वही भगवान की वो है, वो तो सारा सीन सफेद और ब्लैक होना। ठीक है, और इनके ऊपर कोई फेयर लवली का भी इफेक्ट नहीं पड़ता भैंसों के ऊपर। इसके अलावा इस जानवर को पकड़ा, मैंने बता दिया कि भाई इसके सूंड निकला हुआ है, शरीर में भी बहुत बाहुबली है, ये हाथी अपना, इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये बिल्कुल बारीक सा पतला सा कमजोर सा, तो ये चूहा बता दिया हमने। इस तरीके से मैंने उस झुंड में जितने भी जानवर थे उन सभी के बारे में बता दिया। ठीक है, आपने सभी के सभी जानवरों का जो करेक्टरिस्टिक्स था, विशेषताएं थी, उनको पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, आपने अच्छे से उनका विश्लेषण किया, झुंड के जितने भी जानवर थे उन सभी का, और फिर आपने क्या किया, एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या, भी कुछ भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, गाय के लिए भी निकाल सकते हो, भैंस के लिए भी निकाल सकते हो, एक्स वाई जेड किसी भी जानवर के लिए आप कॉन्क्लूजन निकाल सकते हो। आगमन तर्क में सर्वप्रथम निरीक्षण किया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है,
और सबसे अंत में सामान्यीकरण के माध्यम से सामान्य तथ्य का निरूपण किया जाता है। ध्यान से सुनना, जो आगमनात्मक तर्क होता है ना, इसमें सीन क्या है, इसमें सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जैसे झुंड में बहुत सारे जानवर थे, उनका हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर उनका प्रयोग किया जाता है, उनको देखा जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में सामान्यीकरण के माध्यम से एक सामान्य तथ्य का या एक निष्कर्ष का प्रतिपादन कर दिया जाता है। तो आगमनात्मक तर्क में सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होता है, कॉन्क्लूजन निकाला जाता है, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हो गया कंप्लीट। बालक घर में देखता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ये एग्जांपल याद रखना। पता नहीं एग्जामिनर के क्या सीन बैठा है, वो मतलब लॉजिकल रीजनिंग में एग्जांपल देता है तो वो केवल यही से देता है। आप बालक थे, ठीक है, आपने क्या किया, आपने आग जलते हुए देखा, ठीक है, आपने अपने घर पर देखा, मम्मी थी आपकी जो चूल्हे में रोटी बना रही थी, ठीक है, लकड़ी जल रही थी, आग लग रही थी और वहां से धुआं निकल रही थी, ठीक है। पास में देखा आपकी जो पड़ोसी आंटी थी, वो भी खाना बना रही थी चूल्हे पर, लकड़ी जल रही थी, आग जल रही, लकड़ी जल रही थी, आग हो रही थी और उससे धुआं निकल रही थी, ठीक है। फिर पास में देखा आपके जो एक पड़ोसी अंकल थे, वो कचरे को जला रहे थे, उसमें भी आग निकल रही थी, उससे भी धुआं निकल रही थी। फिर उसके जो पड़ोसी अंकल थे वो क्या कर रहे थे, वो एक पेड़ को जला रहे थे, सनकी थे पेड़ को जला रहे थे, पेड़ जल रहा था, आग निकल रही थी, वहां से भी धुआं निकल रही थी, ठीक है। ये सीन मैदान में हो रहा था और ये सीन पर्वत पर हो रहा था, ठीक है। तो अब आपने क्या सोचा, यार जहां जहां मैं आग देख रहा हूं ना, चाहे मम्मी के चूल्हे में देख रहा हूं, चाहे आंटी के चूल्हे में देख रहा हूं, चाहे उस कचरे के उसमें जहां आग लग रही है उसमें देख रहा हूं, या जो पेड़ जल रहा है, क्योंकि मैं जहां जहां आग देख रहा हूं ना वहां पर मेरे को धुआं दिख रहा है, ठीक है। आपने उस धुंध का एनालिसिस किया, आपके जितने भी पड़ोसी थे ना, जो जो आग जला रहे थे ना, उस आग के जो धुंध वाले कैंडिडेट था उनका एनालिसिस किया और आपने सोचा कि जहां जहां आग है सब जगह धुआं है। अब आपको एक दूर, बहुत दूर अचानक से आपको धुआं दिखी, आपने तुरंत कह दिया कि मम्मी वहां पर आग लगी हुई है। मम्मी पूछी, तो पागल है क्या, मेरे को तो नहीं दिख रही आग। आपने बोला कि मम्मी आग है क्योंकि वहां से धुआं देखो, धुआं आ रही है। मम्मी बोली कि जरूरी है कि धुआं तो आग होगी। फिर आप बताओगे कि हाँ मम्मी देख, तेरे चूल्हे में लकड़ी चल रही है, आग लग रही है, यहां से धुआं निकल रही है। पड़ोसी के आंटी देख लो, उस अंकल के देख लो, कचरा जला रहे हैं, उस अंकल के देख लो, उसको देख लो। आप जितने भी झुंड के एक्सपेरिमेंट थे सभी को बताओगे कि देख लो जहां जहां आग ना सब जगह धुआं निकल गई है। और फिर आपकी मम्मा भी मान जाएगी कि यार सच में बेटा तेरी बात ठीक है, वहां धुआं है, इसका मतलब वहां पर जरूर आग लग ही रही है। तो आपने क्या किया, आपने झुंड का क्या किया, विश्लेषण किया और उसके बेस पर आपने एक कंक्लूजन निकाला कि जहां धुआं है वहां पर आग अनिवार्यता होगी, ठीक है। अब वो जो जानवरों का झुंड था जिसमें आप क्या कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, तो वहां से भी आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो जीव चारा खाते हैं ना वो जानवर होते हैं, ठीक है, शाकाहारी होते हैं वो, जो जानवर मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, निकाल सकते हैं कंक्लूजन। ये है सीन। आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन उस संभाव्यता मात्रा के अनुसार अच्छी या खराब के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो जो इंडक्टिव मेथड है, या तो वो सही होता है, अच्छा होता है, या फिर वो खराब होता है। अब एक बार सभी के सभी कमेंट सेशन में कमेंट करके बता दो स्पीड से कि डिडक्टिव इनडिडक्टिव, यहां पर मैंने जो आपको एग्जाम्पल के बेस पर समझाया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज जल्दी जल्दी एक बार सभी के सभी रिप्लाई दे दो।
जल्दी जल्दी बता दो एक बार सभी के सभी। हाँ देखो, निगमनात्मक में आगमनात्मक में क्या हो रहा है, निगमनात्मक में कुछ नहीं है, अनुभव के आधार पर क्या निकाला जा रहा है, कंक्लूजन निकाला जा रहा है। निगमनात्मक में जो निष्कर्ष है वो कंप्लीटली आधार वाक्यों के आधार पर निकाला जा रहा है। जैसे आपने एक गाय को देख लिया और एक झुंड में से आप गाय को पहचान रहे हो, ठीक है। जबकि आगमनात्मक में क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। आगमनात्मक में आप बहुत सारे फैक्ट होते हैं, झुंड होता है, झुंड में हर एक जानवर का आप सही ढंग से एनालिसिस करते हो और उसके बाद में आप एक कॉन्क्लूजन निकालते हो। इन दोनों को आप अच्छे तरीके से समझ लेना। आलोचनात्मक तर्क क्या होता है, इस प्रकार के तर्कों के आधार पर छात्र विभिन्न प्रकार के आलोचनात्मक अध्ययन के बाद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक है। आलोचनात्मक तर्क में क्या होता है, इसमें आलोचना हो रही है, ठीक है, आलोचना हो रही है, मतलब आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। आलोचनात्मक अध्ययन कैसे, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई ये पांच किताब है, ठीक है, इन पांच किताबों में से आपको एक बेस्ट किताब बतानी है, कौन सी है एक बेस्ट किताब। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पर इन पांचों किताबों का आलोचनात्मक तरीके से अध्ययन करोगे। आप बाकी की जो चार किताब है उनकी कमी निकालोगे, उनकी बुराई करोगे, और जो पांच बेस्ट बुक है उसकी फिर बढ़ाई करोगे। तो इसी को क्या कहते हैं, आलोचनात्मक क्रिटिसिज्म आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनना, छात्र विद्यालय में प्रथम अवस्था में जाने पर संकोच करता है, परंतु जाने पर यह देखता है कि विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं तथा कहानी सुनाते हैं, दोपहर में भोजन देते हैं तथा खेलने का अवसर प्रदान करते हैं। इस स्थिति में वह छात्र समझ जाता है कि विद्यालय में छात्रों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता है, इसलिए विद्यालय में जाना लाभदायक है। इस प्रकार अनेक तथ्यों के बारे में बालक सामान्य रूप से विचार करके उनके गुण और दोषों का विवेचन करके स्वीकार करता है, और इस प्रकार के तर्कों को आलोचनात्मक तर्क के माध्यम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल सा था भाई, सिंपल सा था क्या भाई। ये देख लो, कोई भी बच्चा है स्कूल जाने से पहले वो मना करता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल में उसके किसी ने गलत फहमी डाल दी, स्कूल में टीचर पीटते हैं, पिटाई होती है, स्कूल में होमवर्क देंगे, तो रेगुलर स्कूल जाना पड़ेगा, कहीं पर बार बाहर नहीं जाएगा, इस तरीके के गलत फहमी आ गई। बच्चा फर्स्ट डे डरता डरता स्कूल गया, वहां पर देखा तो वहां का इन्वायरमेंट ही अलग था। सभी के सभी टीचर बच्चे से प्यार कर रहे थे, उसे खाना खिला रहे थे, उसे अच्छे से प्यार प्रेम तरीके से व्यवहार कर रहे थे। तो बच्चे को समझ में आ गया क्या, सब लोग झूठ बोल रहे थे, यहाँ का तो इन्वायरमेंट ही कुछ और है, यहाँ तो सब कुछ बहुत ही बेस्ट है। तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना आलोचनात्मक या समीक्षात्मक चिंतन कहलाता है। भाई आप तथ्यों का यदि वस्तुपरक तरीके से विश्लेषण कर रहे हो, ठीक है, यदि आप तथ्यों का वस्तुपरक तरीके से विश्लेषण कर रहे हो और उसके आधार पर आप एक निश्चित निर्णय तक पहुंच रहे हो, एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच रहे हो, तो उसको हम आलोचनात्मक या समीक्षात्मक चिंतन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, स्पीड से बता दूं, फिर हम डिडक्टिव सॉरी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के बारे में पढ़ेंगे।
जल्दी जल्दी बताओ एक बार। चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं अनौपचारिक और औपचारिक दोनों के बारे में। अनौपचारिक तर्कों का प्रयोग सामान्य रूप से हम अनेक प्रकार से अपने दैनिक जीवन में, घर परिवार के वार्तालाप में करते हैं। इन तर्कों का कोई क्रमबद्ध रूप नहीं होता, इसलिए इनको उचित महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। इन तर्कों में साम्यता की स्थिति भी नहीं पाई जाती। ठीक है, अब ये आपको अच्छे तरीके से समझना है कि जो अनौपचारिक तर्क हैं ठीक है। अनौपचारिक तर्कों का प्रयोग सामान्य रूप से हम अनेक प्रकार से अपने दैनिक जीवन में, घर परिवार के वार्तालाप में करते हैं। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, इसका प्रयोग हम सामान्य रूप से अनेक प्रकार से अपने दैनिक जीवन में करते हैं, बातों के दौरान करते हैं। इन तर्कों का कोई क्रमबद्ध रूप नहीं होता, वही फॉर्मल इनफॉर्मल वाला सीन हो गया। जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता, वही इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट में भी कोई एक क्रमबद्ध तरीका नहीं होता, इसलिए इनको उचित महत्व नहीं दिया जाता। इन तर्कों में साम्यता की स्थिति भी नहीं होती। ठीक है, जैसे भूतों के चार पैर होते हैं, तो ये एक साम्यता की स्थिति नहीं है। साम्यता का मतलब है एक ऐसी कंडीशन नहीं होती जिसके बेस पर आप निष्कर्ष निकाल सकते। अनौपचारिक तर्क किसी नियम या निष्कर्ष विशेष की ओर अग्रसर नहीं होते। अनौपचारिक तर्कों के बेस पर आप एक निश्चित नियम या निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। पूजा, इतना टाइम मत लिया करो, टाइम नहीं लूंगा, तुरंत फीडबैक दे दिया करो, मैं खुद नहीं चाहता कि टाइम लूँ एक्स्ट्रा। लेकिन आप रिप्लाई नहीं देते तो इंतजार करना पड़ता है, या फिर ऐसे कह दो कि लगातार पढ़ाते रहो, जिसको नहीं समझ में आए वो पूछ ले बीच में, बाकी चलने दो काम। फॉर्मल औपचारिक तर्क, सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तर्क वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। इस प्रकार के तर्क वाक्य में एक दूसरे के संबंध होता है तथा ये किसी निश्चित उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, और इस प्रकार के तर्क वाक्य दार्शनिक विचार प्रक्रिया के अंग भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो अनौपचारिक तर्क है ना, वो एक निश्चित उद्देश्य है,
की ओर लक्षित नहीं होता, मतलब आप अनौपचारिक तर्क के बेस पर किसी निश्चित उद्देश्य को नहीं निकाल सकते, एक निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, जबकि औपचारिक तर्क के बेस पर हम एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तर्क चिंतन का उत्कृष्ट रूप माना जाता है। जो तर्क है ना, जो आर्ग्यूमेंट है ना, उसको हम चिंतन का सबसे उत्कृष्ट रूप बोलते हैं। जो मैंने पिछली वाली क्लास में आपको समझा दिया था, तर्क एक बहुत ही जटिल मानसिक प्रक्रिया है भाई। आर्ग्यूमेंट देना एक इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद में एक आर्ग्यूमेंट निकलता है। तर्क को औपचारिक नियमों से संबद्ध किया जाता है, औपचारिक नियमों से निकलता है तर्क, एक क्रमबद्ध तरीके से निकलता है। तर्क में किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को पुनर्गठित किया जाता है, ठीक है। तर्क में किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव से पुनर्गठित किया जाता है, मतलब तर्क में जो कोई तो भी समस्या उसका समाधान निकालने के लिए पहले के जो एक्सपीरियंस है उसका पुनर्गठन किया जाता है, मतलब पहले के एक्सपीरियंस के बेस पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जब मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन प्रारंभ कर देता है। समस्या समाधान के अनेक विकल्प उसके मस्तिष्क में आते हैं और इस प्रकार की विचारात्मक प्रक्रिया को ही हम तर्क कहते हैं। जब किसी मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान निकालने के लिए वो मनुष्य क्या करता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। समस्या समाधान के अनेक विकल्प उसके मस्तिष्क में आते हैं और उनमें से वो एक निश्चित विकल्प का चयन करता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। तर्क में पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन कल्पना का निर्माण किया जाता है। भाई तर्क होता है जो आर्ग्यूमेंट होता है, इसमें हम अपने पहले के एक्सपीरियंस के आधार पर एक नवीन संकल्पना का निर्माण करते हैं। उसके बाद निरुपाधिक तर्कवाद्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बोलते हैं। निरुपाधिक तर्क वाक्य, जब एक तर्क वाक्य बिना किसी शर्त के किसी बात की पुष्टि करता हो या इनकार करता हो, ठीक है। जब कोई तर्क वाक्य बिना किसी शर्त के किसी बात की पुष्टि करता हो या उसको इनकार करता हो तो उसे हम निरुपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं, ठीक है। जब एक तर्क वाक्य बिना किसी शर्त के किसी बात की पुष्टि कर रहा हो या उसका इनकार कर रहा हो तो उसे हम निरुपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। इस तर्क वाक्य में एक विषय, एक विधेय तथा एक संयोजक शब्द होता है, ठीक है। जो निरुपाधिक तर्क वाक्य होता है ना, उसमें एक विषय होता है, एक विधेय होता है या फिर एक संयोजक होता है। संयोजक शब्द इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसको विधेय को उद्देश्य को जोड़ने का काम करता है। जैसे इसके मैंने तीन एग्जाम्पल लिए यहाँ पर, तकिया मुलायम है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है, संगीत प्रेम का भोजन है, ये तीन मैंने एग्जाम्पल लिए, तीनों की तीनों निरुपाधिक तर्क वाक्य के उदाहरण है। तकिया मुलायम है, इसमें तकिया तो उद्देश्य है, मुलायम होना विधेय है, उसकी विशेषता है, और है क्या है, संयोजक, जो इन दोनों को जोड़ता है। कल वाली क्लास में भी मैंने समझा दिया था और इसको मैं आगे और भी डिटेल से आपको समझाऊंगा जब हम ए आई और ओ यू को पढ़ेंगे। सभी साधारण तर्क वाक्य सामान्य तर्क वाक्य प्रकृति में निरुपाधिक ही होते हैं। ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि सभी साधारण तर्क वाक्य और सामान्य तर्क वाक्य प्रकृति में क्या होते हैं, निरुपाधिक होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आज की हमारी क्लास थी और इसको साथ के साथ पढ़ो। संडे को टेस्ट होगा, कल वाली क्लास में आप मेरे को बता देना कि हमें टेस्ट कौन सी यूनिट का लेना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथी।
गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से, कैसे हो आप सब? जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ ताकि हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करें। चलो ठीक है, अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं यहाँ से और बहुत ही शानदार तरीके से इस क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी कंफ्यूज है, वो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और मैं आपको बिल्कुल हर बार ये बोल रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, और स्पेशली उन कैंडिडेटों को जिनका जो मैथ रीजनिंग बिल्कुल कमज़ोर है या जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो रेशियो बहुत अच्छा खासा रहता है। तो चलो हम शुरुआत कर लेते हैं। एक बार तर्क वाक्य से हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले दो क्लास हो चुकी हैं, बीच में कल क्लास नहीं हुई थी, लेकिन अब हम बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। धीरे धीरे हम क्लास के टाइमिंग बढ़ाएंगे अपनी की। संडे को टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तर्क वाक्य एक एकात्मक अर्थ है जो हमेशा अचल रहता है। तर्क वाक्य का तात्पर्य निर्णय के परिणाम से है। तर्क वाक्य वह है जिसे व्यक्ति सत्य या असत्य के रूप में अभिपुष्ट या इनकार, स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो तो सबसे पहला जो एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तर्क वाक्य वो एकात्मक अर्थ का होता है। तर्क वाक्य का जो अर्थ होता है वो एकात्मक होता है, जो हमेशा अचल रहता है। एक होता है चल और एक होता है अचल, दोनों का अर्थ बताओ। चल क्या होता है, अचल क्या होता है, दोनों का अर्थ बताओ एक बार सभी के सभी। भाई कॉमन सेंस वाला शब्द है ये, रटने वाला नहीं है। चल का मतलब होता है जो गतिशील है, ठीक है, और अचल, अचल का मतलब है जो स्थिर है, ठीक है, जो गतिहीन है, जो स्थिर है, ठीक है। तो जो तर्क वाक्य वो हमेशा क्या होता है, अचल होता है। मतलब आधार वाक्यों के बेस पर आप कोई एक निष्कर्ष निकालोगे, उसी निष्कर्ष को हम क्या कहेंगे, तर्क कहेंगे। और वो जो तर्क तो होता है ना, वो बिल्कुल अचल है, वो बिल्कुल निश्चित है। आधार वाक्यों से जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें बहुत ज्यादा फेर बदलाव नहीं होता कि एक बार उसका कुछ और मतलब निकला, निष्कर्ष निकला या तर्क निकला, फिर दोबारा आधार वाक्यों से तर्क निकाला तो कुछ और निकला, ऐसे नहीं होता। तर्क वाक्य का तात्पर्य निर्णय के परिणाम से होता है, ठीक है। डिसीजन जो निर्णय है उसका जो रिजल्ट है उससे इसका संबंध होता है। तर्क वाक्य वह है जिसे व्यक्ति सत्य या असत्य के रूप में स्वीकार कर सकता है या फिर उसको अस्वीकार कर सकता है। जो तर्क वाक्य है ना, उसे व्यक्ति या तो सत्य मान सकता है या असत्य मान सकता है, या उसको वो स्वीकार एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उसको इग्नोर कर सकता है। उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो तर्क वाक्य जिसे व्यक्ति सत्य और असत्य के रूप में अभिपुष्ट भी कर सकता है, उसे वो इनकार भी कर सकता है और उसे वो स्वीकार भी कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तर्क वाक्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये कि जो तर्क वाक्य है उसे व्यक्ति सत्य और असत्य भी सिद्ध कर सकता है, उसे वो इग्नोर भी कर सकता है और उसे वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ तर्क वाक्य का। देखो तो सभी राजा नश्वर है, ठीक है, सभी विदेशी अस्वीकार्य है, तो ये वाले दोनों स्टेटमेंट है ना, हम इसको चाहे तो सत्य भी मान सकते हैं, ठीक है, हम इनको चाहे तो असत्य भी मान सकते हैं, ठीक है, हम चाहे तो इनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और हम इन चाहे तो इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त निर्णय को तर्क वाक्य कहा जाता है। भाषा के माध्यम से जो निर्णय अभिव्यक्त होता है, भाषा के माध्यम से जो निर्णय निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, तर्क वाक्य कहते हैं।
ठीक है, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त जो निर्णय होता है उसको क्या कहा जाता है, तर्क वाक्य कहा जाता है। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। किसी तर्क वाक्य के तीन भाग होता है, जो भी तर्क वाक्य होता है उसके टोटली तीन भाग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है और तीसरा संयोजक होता है। अब मैं इन तीनों के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि जो भी तर्क वाक्य है उसके ये जो तीन प्रकार वो कौन कौन से होते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं। देखो, जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, जिसके संबंध में बात की जा रही है, ठीक है, जिसके संबंध में जो बात की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। जिसके संबंध में जो बात की जा रही है उसको हम विधेय कहते हैं। दोनों को समझना भाई, जिसके संबंध में बात की जा रही है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर, राम आम खा रहा है, आप इसमें बताओ उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। राम आम खा रहा है, इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों के बारे में बताओ आप, और जल्दी जल्दी बताओ आप कि राम आम खा रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है और इसमें विधेय क्या है। भाई इसमें आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम तो क्या है, इसमें उद्देश्य है, ठीक है। अब राम क्या काम कर रहा है, आम खाने का काम कर रहा है, तो खाना क्या है, विधेय है। जो खाना है वो किसकी विशेषता है, राम की विशेषता है। ये दोनों समझ में आ गए। तो उद्देश्य क्या होता है कि जिसके संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं, ठीक है, और जो कुछ कहा जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय दोनों को जो जोड़ने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, उद्देश्य और विधेय दोनों को संयुक्त करने वाली प्रक्रिया, मतलब उद्देश्य और विधेय दोनों को जो जोड़ने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। अब राम आम खा रहा है तो यहां पर संयोजक क्या होगा, जो दोनों को जोड़ रहा है, तो यहां पर संयोजक हो जाएगा आम हो जाएगा या फिर है हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर कंडीशन में आम ही होगा। अब तर्क वाक्य के जो प्रकार हैं इनको हम डिस्कस करते हैं कि तर्क वाक्य के प्रकार, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संबंध के आधार पर तर्क वाक्य, ठीक है। संबंध के आधार पर तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक निरुपाधिक होता है और दूसरा सोपाधिक होता है। अब इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि निरुपाधिक क्या होते हैं और सोपाधिक क्या होते हैं। ठीक है, निरुपाधिक क्या होते हैं और सोपाधिक क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम निरुपाधिक तर्क वाक्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जब एक तर्क वाक्य बिना किसी शर्त के किसी बात की पुष्टि करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब एक तर्क वाक्य बिना किसी शर्त के किसी बात की क्या कर रहा है, पुष्टि करता है या इनकार करता है, तो उसे हम निरुपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। जब एक तर्क वाक्य बिना किसी शर्त के किसी बात की पुष्टि करता है, ठीक है, तीसरा नंबर वाले का ठीक है, बिना किसी शर्त के किसी बात की पुष्टि करता है, बिना किसी शर्त के किसी बात की पुष्टि करता है, मतलब उसको सही साबित करता है या फिर वो उसको इग्नोर करता है, इनकार करता है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, निरुपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। इस तर्क वाक्य में एक विषय
एक विधेय तथा एक संयोजक होता है। ठीक है, जो निरुपाधिक तर्क वाक्य है इसमें एक तो विषय होता है, ठीक है, मान लिया एक विषय होता है, इसमें एक तर्क होता है, एक विषय होता है, एक विधेय होता है, और इसमें मेरे प्यारे साथियों एक क्या होता है, एक संयोजक होता है। अब इन तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि संयोजक क्या होता है, विधेय क्या होता है और विषय क्या होता है। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी क्लास में, जिसमें एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पर, और ये एग्जाम्पल है कि तकिया मुलायम है। ठीक है, क्या है? तकिया मुलायम है। अब इसमें देखो तकिया क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि तकिए के संबंध में बात की जा रही है। मुलायम क्या है, इस तकिए की विशेषता है। ठीक है, तो उद्देश्य तो तकिया हो गया, मुलायम होना विधेय हो गया। अब यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं संयोजक के बारे में। तो यहां पर केवल तीन शब्द है, एक है, एक तकिया, एक मुलायम, जिसमें तकिया तो उद्देश्य हो गया, मुलायम विधेय हो गया। अब बचा हुआ जो तीसरा है वो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहां पर ठीक है, अब तीसरा जो बचा हुआ है वो हमारे पास क्या रह गया, संयोजक रह गया। सभी साधारण तर्क वाक्य, सामान्य तर्क वाक्य प्रकृति में निरुपाधिक होते हैं। ठीक है, जितने भी साधारण तर्क वाक्य होते हैं, जितने भी सामान्य तर्क वाक्य होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, निरुपाधिक होते हैं। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं सशर्त या सोपाधिक तर्क वाक्यों के बारे में। देखो इसमें दो निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं। एक मिनट, सशर्त या सोपाधिक तर्क वाक्य। अब जो सोपाधिक तर्क वाक्य है ना, इसमें क्या होता है, दो निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं। ठीक है, सोपाधिक तर्क वाक्य में दो निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं जो एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं। ये जो दोनों है ना, ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार संबंधित होते हैं कि एक तर्क वाक्य दूसरे तर्क वाक्य पर शर्त आरोपित करता है। ठीक है, जो निरुपाधिक तर्क वाक्य होता है, जो सोपाधिक तर्क वाक्य होता है, इसकी सबसे खास बात क्या है कि सोपाधिक तर्क वाक्य में दो निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं, और ये जो दोनों के दोनों निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं, वो इस तरीके से संबंधित होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोपित होते हैं ये। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, आरोपित होते हैं। तो इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। उदाहरण, यदि आप मेहनत से पढ़ाई करोगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अब देखो यहां पर क्या बात हो रही है कि आप, यदि आप मेहनत से पढ़ाई करोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो यहां पर दो निरुपाधिक तर्क वाक्य हुए। पहला निरुपाधिक तर्क वाक्य यहाँ पर कि यदि आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ये एक निरुपाधिक तर्क वाक्य हो गया। यहीं पर दूसरा निरुपाधिक तर्क वाक्य हुआ कि तभी आप अच्छा कर पाएंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें एक तो तर्क वाक्य क्या हो गया, ये वाला हो गया निरुपाधिक तर्क वाक्य, और इसमें एक दूसरा हो गया ये वाला। अब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है भाई। जब आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करोगे ना तभी आप सफल हो पाएंगे। तो आपकी जो सफलता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मेहनत के ऊपर। और जब आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं भाई। आप सफल कब होगे, जब मेहनत करोगे, और जब आप मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली सफल होगी। तो ये दोनों के दोनों जो आर्ग्यूमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं सोपाधिक तर्क वाक्य को। टोटली तीन भागों में डिवाइड किया गया, एक हेतु फलाचित्र तर्क वाक्य है, दूसरा वैकल्पिक है, और तीसरा योजनात्मक है।
तो निरुपाधिक आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज एक बार स्पीड से जल्दी जल्दी करें आप बताओ, ताकि फिर हम आगे की ओर बढ़ें। चलो अब थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो हेतु फलाचित्र तर्क वाक्य है, जो वैकल्पिक तर्क वाक्य है और जो वियोजनात्मक तर्क वाक्य है, इन तीनों के बारे में सबसे पहले हम हेतु फलाचित्र तर्क वाक्य के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इसमें टोटली दो निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? इसमें टोटल दो निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं। ये दो तर्क वाक्य इस प्रकार से संबंधित होते हैं कि यदि पहला सत्य है तो दूसरा भी सत्य ही होगा, और यदि पहला गलत है तो दूसरा भी गलत होगा। ठीक है, देखो हेतु फलाचित्र जो तर्क वाक्य है इसमें क्या होता है, हेतु फलाचित्र तर्क वाक्य में भी दो निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं। ये दोनों के दोनों जो निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से संबंधित होते हैं कि यदि एक सही होगा तो दूसरा भी सही होगा, और यदि एक गलत होगा तो दूसरा भी गलत होगा। ठीक है, यद्यपि यदि प्रथम असत्य है तो दूसरा सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो हेतुआ फलाचित्र जो तर्क वाक्य है इसमें क्या हो रहा है, दो तर्क वाक्यों के बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि एक सही है तो दूसरा भी सही है, एक गलत है तो दूसरा भी गलत है। लेकिन यदि पहला असत्य है तो जो दूसरा है ना वो सत्य भी हो सकता है और वो असत्य भी हो सकता है। अब देखो यहां पर क्या बात हो रही है कि भाई पहला तर्क वाक्य सत्य है, ठीक है, तो जो दूसरा तर्क वाक्य है वो 100% सत्य होना चाहिए, दोनों सत्य होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, यदि पहला तर्क वाक्य असत्य है तो दूसरा असत्य हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सत्य हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों कंडीशन याद रखना, ये है पहली कंडीशन, यदि पहला तर्क वाक्य सत्य है तो दूसरा भी सत्य होना चाहिए, यदि पहला असत्य है तो दूसरा असत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। हेतु फलाचित्र तर्क वाक्य में प्रथम वाक्य को पूर्वगामी तर्क वाक्य कहते हैं तथा दूसरे वाक्य को अनुगामी तर्क वाक्य कहते हैं। यदि आपको भूख लगी है तो आप चॉकलेट खा सकते हैं, ठीक है, आपको भूख लगी है तो आप चॉकलेट खा सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, पहले वाली बात हुई, भाई पहले आपको भूख लगी तो ये पूर्वगामी हुआ, ठीक है, उसके बाद आप क्या खाओगे, खाना खाओगे, खाने के तौर पर आप क्या खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, तो ये अनुगामी हुआ। तो यहाँ पर देखो हेतु फलाचित्र तर्क शास्त्र में प्रथम वाक्य को अनुगामी तर्क वाक्य कहते हैं और दूसरे वाले को हम पूर्वगामी तर्क वाक्य कहते हैं। ठीक है, हेतु फलाचित्र तर्क वाक्य में प्रथम भाग को पूर्वगामी तर्क वाक्य कहते हैं और दूसरे भाग को अनुगामी तर्क वाक्य कहते हैं। ये आपको सही ढंग से ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। इतना यदि आपको समझ में आ गया अनुगामी पूर्वगामी के बारे में तो हम आगे बढ़ें। एक बार सभी के सभी कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ, हर के साथ मैं अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे से आपका सब डाउट क्लियर हो जाए।
चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, तो वैकल्पिक तर्क वाक्य के बारे में डिस्कस करते हैं। वैकल्पिक तर्क वाक्य क्या होता है? इसमें दो साधारण निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं। भाई जो वैकल्पिक तर्क वाक्य हैं, इसमें भी दो साधारण निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं जो या तो या से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसमें जो दोनों के दोनों तर्क वाक्य हैं वो या तो या, इन दो शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार यह बताते हैं कि इन दोनों तर्क वाक्यों में से कोई एक सत्य या दोनों सत्य हो सकते हैं। ठीक है, जो वैकल्पिक तर्क वाक्य है, इसमें दो साधारण निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं जो या तो या से जुड़े हुए होते हैं, और ये इस प्रकार बताते हैं कि दोनों तर्क वाक्यों में से या तो एक सही हो सकता है, जो कोई सा भी हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों सही हो सकते हैं, वो भी कोई से भी हो सकते हैं। अब थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं। जॉन एक प्रोफेसर भी हो सकता है या वह एक संगीतकार भी हो सकता है। अब देखो यहां पर या शब्द जुड़ा हुआ है। अब ये या शब्द किस किस के बारे में बता रहे हैं? या शब्द दो बातों के बारे में बताता है। पहला, या तो जॉन प्रोफेसर हो सकता है, हम इसको सही मान सकते हैं, या ये एक संगीतकार हो सकते हैं, इसको सही मान सकते हैं, या फिर हम दोनों को भी सही मान सकते हैं कि जॉन प्रोफेसर भी हो सकता है और वो एक संगीतकार भी हो सकता है। ठीक है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है, वो संगीतकार भी हो सकता है, दोनों की भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों भी ठीक हो सकते हैं। फिर थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं वियोजनात्मक तर्क वाक्य के बारे में। अब ये वियोजनात्मक तर्क वाक्य क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें दो साधारण निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? इसमें दो साधारण निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं जो इस प्रकार से संबंधित होते हैं कि दोनों एक समय पर सत्य नहीं हो सकते। ठीक है, अब भाई ये जो ठीक है, अब देखो इसमें क्या सीन है कि इस वाले जो ये भाई, इसमें दो तर्क वाक्य हैं निरुपाधिक, और दोनों के दोनों जो तर्क वाक्य हैं वो एक निश्चित समय पर सही नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों तर्क वाक्य एक निश्चित समय पर सही नहीं हो सकते। जैसे जोन कक्षा में है और जोन मैदान में है। भाई जोन क्या है? एक कैंडिडेट है, उसको बताया जा रहा है कि वो कक्षा में है। तो यदि जोन कक्षा में है तो वो फिर मैदान में कैसे है? मतलब वो मैदान में नहीं है। ठीक है, यदि हम माने कि वो मैदान में है तो वो कक्षा में नहीं है। मतलब दोनों के दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ममता ईमानदार भी है और बेईमान भी है। भाई यहां पर भी दोनों कंडीशन फंस गई, हम दोनों को एक साथ सही नहीं मान सकते। ममता को यदि हमने बेईमान मान लिया तो उसको हम ईमानदार नहीं कह सकते, और ईमानदार मान लिया तो उसको हम बेईमान नहीं कह सकते। दोनों में से हमें इंडिविजुअली तरीके से एक को मानना। फिर थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं निश्चयात्मक तर्क वाक्य के बारे में। जब किसी तर्क वाक्य में व्यक्त किए गए दावे अभिकथन की सत्यता की पुष्टि की जा सकती है। ठीक है, निश्चयात्मक तर्क वाक्य क्या होता है कि जब किसी तर्क वाक्य में व्यक्त किए गए दावे को हम बिल्कुल सत्य सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, जब किसी तर्क वाक्य में व्यक्त किए गए दावे को हम सही सिद्ध कर सकते हैं, उसको हम सत्य सिद्ध कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? निश्चयात्मक तर्क वाक्य कहेंगे। कि जब किसी तर्क वाक्य में व्यक्त किए गए दावे या अभिकथन को सत्य सिद्ध किया जा सकता है तो उसको हम निश्चयात्मक कहेंगे। भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये एक वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा सत्यापित है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इसे सत्यापित सिद्ध कर दिया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा सत्य सिद्ध किया गया है। इसको आप किसी भी हाल में असत्य सिद्ध कर ही नहीं सकते।
तो यहां पर जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसके पीछे क्या है, एक रियल रीजन है, मतलब इसके पीछे एक ऐसा कारण है जो इस स्टेटमेंट को सत्य सिद्ध करता है। चलो भाई थोड़ा आगे देखते हैं। अब हम अनिवार्य तर्क वाक्य, वे तर्क वाक्य जो परिभाषा द्वारा सदैव सत्य होते हैं। अब देखो अनिवार्य तर्क वाक्य क्या है, अनिवार्य तर्क वाक्य वो तर्क वाक्य होते हैं जो परिभाषा के अनुसार हमेशा सत्य होते हैं, जो परिभाषा के अकॉर्डिंग ऑलवेज सही होते हैं, उन्हें हम अनिवार्य तर्क वाक्य कहते हैं। कुंवारे अविवाहित पुरुष हैं, भाई कुंवारे अविवाहित पुरुष हैं, कुंवारा है तो डायरेक्टली बात है वो अविवाहित ही होगा, ठीक है। कुंवारा किसको कहोगे, अविवाहित को कहोगे, जहां पर पुरुष इन्होंने लिख दिया। एक बिंदु का कोई आकार नहीं होता, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, बिंदु का कोई आकार ही नहीं होता, विदाउट साइज का होता है ये। तो ये दोनों बातें क्या है, बिल्कुल 100% सही है परिभाषा के तौर पर, डेफिनेशन के तौर पर, इसलिए हमने इनको क्या कहा, अनिवार्य तर्क वाक्य कह दिया। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं समस्यागत तर्क वाक्य। अब ये समस्यागत तर्क वाक्य क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें केवल सत्य या असत्यता का अनुमान लगा सकते हैं तथा कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जो समस्यागत तर्क वाक्य है ना, समस्यागत तर्क वाक्य के बीच पर हम केवल और केवल सही और गलत, मतलब सत्य और असत्य का अनुमान लगा सकते हैं, बाकी हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि निष्कर्ष क्या निकले। तो जो समस्यागत तर्क वाक्य है इसमें केवल सत्य और असत्य का अनुमान लगाया जा सकता है, इसके बेस पर आप एक निश्चित कॉन्क्लूजन नहीं निकाल सकते कि कौन सा सही है, मतलब निष्कर्ष क्या निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसमें तो आप केवल सत्य और असत्य के बारे में पता लगा सकते हैं। शायद वह एक अमीर आदमी है, शायद। अब आप बताओ आप क्या इसके बेस पर कोई डिसीजन ले सकते हो, मैंने आपको बोला कि शायद वह एक अमीर आदमी है, अब बताओ आप इस बात को सही भी नहीं मान सकते, गलत भी नहीं मान सकते, शायद अमीर है शायद गरीब भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको हम समस्यागत तर्क वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर हम तर्क वाक्यों का प्रकार ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, मात्रा व गुण के आधार पर तर्क वाक्यों के प्रकार, ठीक है। मात्रा और गुण के आधार पर हम तर्क वाक्यों के प्रकार पढ़ेंगे कि मात्रा और गुण के आधार पर तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगा लो, ठीक है। जितनी लाइन खींच सकते हो उतनी खींच दो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। अब देखो इसमें मैं आपको आगे ए ई आई ओ इन चारों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज तो हम इनको समझ लेते हैं कि ये होते क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं। देखो मात्रा और गुण के आधार पर जो तर्क वाक्य है ना, मात्रा के आधार पर दो कंडीशन हो सकती है, एक तो सर्वव्यापी हो सकता है, ठीक है, और एक अंशव्यापी हो सकता है, ठीक है। गुण के आधार पर दो कंडीशन हो सकती है, एक सकारात्मक हो सकता है, एक नकारात्मक हो सकता है। भाई सर्वव्यापी, मात्रा के आधार पर सर्वव्यापी जो संपूर्ण की बात कर रहा है, मात्रा के आधार पर अंशव्यापी जो एक अंश की बात कर रहा है, गुण के आधार पर सकारात्मक जो उपस्थिति की बात कर रहा है, पॉजिटिव तरीके से बात कर रहा है, एक नकारात्मक जो नेगेटिव तरीके से बात कर रहा है, मतलब अनुपस्थिति की बात कर रहा है। मैं इन चारों के बेसिक बेसिक एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर उसके बाद में हम चारों को समझेंगे। सभी आम लाल है, ठीक है, सभी आम लाल है, मतलब यहाँ पर सभी आमों की बात की जा रही है, तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया, सर्वव्यापी का हो गया। कुछ आम लाल हैं, यहाँ पर कुछ आमों की बात की जा रही है, मतलब आमों के कुछ भाग की बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया, अंशव्यापी हो गया। सभी आम लाल हैं या कुछ आम लाल हैं, तो ये क्या हुआ, सकारात्मक हुआ। अब ये सकारात्मक कैसे हुआ, भाई सभी आम लाल है मतलब जो लाल रंग है वो सभी आमों में उपस्थित है, कुछ आम लाल है मतलब जो कुछ आम है जिनमें लाल रंग उपस्थित है, तो इन दोनों स्टेटमेंटों में लाल रंग की उपस्थिति की बात की जा रही है, वो भी किसमें, आमों में, इसलिए हम इसको सकारात्मक
अफर्मेटिव कहेंगे, दूसरा होता है नकारात्मक जिसको हम नेगेटिव बोलेंगे। कोई भी आम लाल नहीं है, कुछ आम लाल नहीं है, तो यहां पर जो लाल रंग है ना वो आमों में उपस्थित नहीं है। ये इनका मैंने बेसिक से समझा दिया, अब हम इनको एक एक करके डिटेल से समझेंगे ताकि आपके इनसे रिलेटेड जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सर्वव्यापी के बारे में डिस्कस करते हैं। जब विधेय विषय पद द्वारा संदर्भित संपूर्ण वर्ग के संबंध में कुछ कहता है, ठीक है, जब विधेय है वो विषय पद द्वारा संदर्भित संपूर्ण वर्ग के संबंध में कुछ कहता है, मतलब जो स्टेटमेंट है ना वो उस संपूर्ण के बारे में कुछ कहता है, ठीक है, संपूर्ण के बारे में कह रहा है। जैसे सभी आम लाल हैं, तो यहाँ पर सभी आमों के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सर्वव्यापी कहेंगे। विधेय सभी उद्देश्यों से संबंधित हो, यहाँ पर जो विधेय जो विशेषता है ना वो सभी उद्देश्यों से संबंधित है, जब विशेषता सभी उद्देश्यों से संबंधित हो, ठीक है, या जो विशेषता है वो सभी उद्देश्यों से संबंधित हो, तो इसको हम सर्वव्यापी कहेंगे। प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो सभी आम लाल है, उद्देश्य लाल है, विधेय सॉरी उद्देश्य क्या यहाँ पर आम है, लाल क्या विधेय है, ठीक है, तो सभी आम लाल है, तो जो लाल रंग है वो सभी आमों में उपस्थित है। तो सर्वव्यापी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अंशव्यापी पर्टिकुलर की बात कर लेते हैं। जब विषय पद द्वारा संदर्भित वर्ग के अनिश्चित भाग के संबंध में विधेय पद कुछ कहता है, मतलब यहां पर जो स्टेटमेंट है वो संपूर्ण के बारे में कुछ नहीं कह रहा, बल्कि कुछ अंश के बारे में कह रहा, कुछ भाग के बारे में कह रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अंशव्यापी तर्क वाक्य कहेंगे, कि कुछ भाग के बारे में बात की जा रही है। इसका प्यारा सा दूसरा एक तरीका बताता हूं समझाने का। जब विधेय का संबंध उद्देश्य के किसी विशेष भाग से है, ठीक है, जब विधेय का संबंध उद्देश्य के किसी विशेष भाग से हो, अर्थात जब विशेषता सभी उद्देश्यों से संबंधित न होकर एक विशेष भाग से संबंधित है, ठीक है, जब विशेषता सभी उद्देश्यों से संबंधित न होकर एक विशेष भाग से संबंधित होती है, तो उसे हम अंशव्यापी कहते हैं। जैसे कुछ आम लाल हैं, यहां पर कुछ आमों को लाल बताया जा रहा है। अब यहां पर मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। सर्वव्यापी तर्क में हम सभी, हमेशा, प्रत्येक, कोई नहीं, सदैव, हमेशा, एक भी नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाई ये जितने शब्द हैं वो यूनिवर्सल के बारे में बता रहे हैं। सभी आम लाल हैं, हमेशा आम लाल रहते हैं, प्रत्येक आम लाल है, कोई भी आम लाल नहीं है, यहाँ पर भी सभी की बात हो रही है। सदैव आम लाल रहते हैं, हमेशा आम लाल रहते हैं, एक भी आम लाल नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्सल तरीके से बात हो रही है इन शब्दों के माध्यम से। अंशव्यापी तर्क में कुछ, अधिकांश, ज्यादातर, कभी कभी, बहुधा, प्राय, आधा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ आम लाल है, अधिकांश आम लाल है, ज्यादातर आम लाल है, कभी कभी आम लाल होते हैं, बहुधा आम लाल है, प्राय आम लाल है, आधे आम लाल है, तो यहाँ पर कुछ अंश की बात की जा रही है। और जिसको मैं इस प्यारे से डायग्राम से आपको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर भाई सभी के सभी गाय क्या है, जानवर है, ठीक है, सभी गाय क्या है, जानवर है, यहाँ पर जानवरों का कुछ भाग क्या है, गाय है, ठीक है, ये डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, ये डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, जानवर लिख दिया, यहाँ पर मैंने गाय बना दिया, ठीक है, दोनों तरीके से यह डायग्राम बन सकता है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलो थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम कल की क्लास में मैं ए ई आई ओ को कंप्लीट करवा दूंगा, आज बेस क्लियर कर लेना, कल थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन रहेगा, वो बहुत इजी वे में समझ में नहीं आएगा,
सकारात्मक नकारात्मक दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सकारात्मक में उपस्थिति की बात की जा रही है, नकारात्मक में अनुपस्थिति की बात की जा रही है। सकारात्मक जब यदि, सकारात्मक यदि विषय, यदि विषय पद तथा विधेय पद के बीच सकारात्मक संबंध है तो उस तर्क वाक्य को हम सकारात्मक तर्क वाक्य कहेंगे। अर्थात जब विधेय विशेषता गुण की उद्देश्य में उपस्थिति की बात की जाती है, मतलब जो विधेय है, जो विशेषता है, जो गुण है वो उद्देश्य में उपस्थित है तो उसको हम सकारात्मक कहेंगे। जैसे सभी आम लाल है तो लाल रंग है जो सभी आमों में उपस्थित है, कुछ आम लाल नहीं है। ठीक है, कुछ आम लाल नहीं है, लाल रंग है जो आमों में उपस्थित नहीं है। इस एग्जाम्पल को यहां से हटा दो आप, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को यहां से हटा दो। मैं लिख रहा था कुछ आम लाल है, ये नहीं शब्द हटा दो भाई। जो नई शब्द है ना उसको हटा दो, क्योंकि नई शब्द है जो सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है भाई, नकारात्मक को देख लेते हैं कि नकारात्मक क्या कह रहा है। यदि विषय पद तथा विधेय पद के बीच नकारात्मक संबंध है तो उसको हम नकारात्मक तर्क वाक्य कहेंगे। अर्थात जब विधेय विशेषता गुण की उद्देश्य में अनुपस्थिति की बात की जाती है, कि जो विधेय है, जो विशेषता है, वो गुण है जो उद्देश्य में उपस्थित नहीं है। जैसे सभी आम लाल नहीं है, यहाँ पर लाल रंग की अनुपस्थिति की बात की जा रही है। ठीक है, कुछ आम लाल नहीं है, यहाँ पर लाल रंग की अनुपस्थिति की बात की जा रही है। सकारात्मक तर्क नकारात्मक तर्क दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। जब विधेय उद्देश्य में उपस्थित है, भाई ये विधेय है आम, ये फल है, इसमें उपस्थित है जानवर गाय उपस्थित है। ठीक है, यहां पर आप दोनों एग्जाम्पलों का यूज कर सकते हो। ठीक है, नकारात्मक तर्क जब विधेय उद्देश्य में अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता, जैसे आम सब्जी जानवर आदमी। अब भाई आम सब्जी आम फल है, सब्जी सब्जी है, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आम सब्जी में उपस्थित नहीं हो सकती, सब्जी आम में उपस्थित नहीं हो सकती। जानवर आदमी में उपस्थित नहीं हो सकता, आदमी जानवर में उपस्थित नहीं हो सकता। तो यह हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। कल वाली क्लास लगभग 1.5 घंटे की होगी, लेकिन कल वाली क्लास में हम इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा कर लेंगे। कल हमारा जो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स भाई मेरे प्यारे साथियों, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार जरूर डिस्कस कर लो। संडे को टेस्ट होगा, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल एक बार कंफर्म करके बताओ कि मेरी आवाज आप तक बिल्कुल सही ढंग से आ रही है कि नहीं आ रही है, और जो भी कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आपको प्रॉपर वे में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज जल्दी जल्दी बताओ ताकि हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें और जो भी कुछ है उसको हम शानदार तरीके से कवर कर सकें। तो एक बार जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाओ।
और आज हमारी जो क्लास है थोड़ा जल्दी लाइव आ रही है, लगभग 1 घंटे पहले, तो उसके पीछे कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये थोड़ा आज जल्दी कर रहे हैं हम क्लास, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सभी के सभी लाइव आ जाओ क्लास को, ठीक है। तो आज की जो ये क्लास है इसमें हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और वो है आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट तर्क का जो टॉपिक है वो हमारा बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। और यहां से आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं यहां से एक क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से 100% बनेगा, ये आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है। यदि मैं अब की बार जून 2023 में जो एग्जाम हुए इनका मैं एनालिसिस करके बताऊं तो पता नहीं ऐसा क्या सिस्टम हुआ है, हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन केवल इसी क्लास से बने हैं जो मैं आपको यहाँ पर आज पढ़ाने वाला हूँ। तो ओवरऑल फाइनली हम कह सकते हैं कि आज की जो ये क्लास है ना वो ओवरऑल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये अब की बार की बात नहीं, ठीक है, अब की बार की ही बात नहीं है, ये ऑलवेज ऐसा ही होता है इसमें, ठीक है। जो ये वाला टॉपिक है इससे ऑलवेज क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा कभी भी पेपर होता है हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की शानदार तरीके से। देखो हम पिछली वाली क्लास में टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे थे, तर्कों के प्रकार पढ़ रहे थे, और जो तर्कों के प्रकार थे वो मैंने बहुत सारे तर्कों के प्रकार आपको अच्छे तरीके से समझाया था एक एक करके मैंने। लेकिन आज की जो क्लास है इसमें हम दो ऐसे महत्वपूर्ण तर्कों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां से ऑलमोस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ज्यादातर लोगों का वो क्वेश्चन गलत होता है लेकिन हमें वो क्वेश्चन ठीक करना है, वो भी हर हाल में, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं अपने इस टॉपिक की, शानदार तरीके से कंप्लीट करते हैं इसको। देखो मात्रा के आधार पर और गुण के आधार पर मैंने इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था, ठीक है। मात्रा के आधार पर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट बताए थे और गुण के आधार पर भी मैंने आपको 2 आर्ग्यूमेंट बताए थे, ठीक है। मात्रा के आधार पर 2 और गुण के आधार पर 2, ठीक है। अब जो मात्रा के आधार पर थे वो 2 प्रकार के थे, एक तो था यूनिवर्सल, ठीक है, दूसरा था पर्टिकुलर। एक यूनिवर्सल था, दूसरा पर्टिकुलर था। जो यूनिवर्सल था वो संपूर्ण की बात करता है, किसकी बात करता है, संपूर्ण के बारे में बात करता है, ओवरऑल के बारे में बात करता है। वहीं जबकि ये जो ठीक है, तो यूनिवर्सल में संपूर्ण की बात होती है, सभी की बात होती है, वहीं पर्टिकुलर में कुछ भाग की बात होती है, एक अंश की बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये तो था मात्रा के आधार पर, जैसे सभी आम लाल है, यहाँ पर सभी आमों के बारे में बात की जा रही है, कुछ आम लाल है, ठीक है, इसमें कुछ आमों के बारे में बात की जा रही है कि कुछ आम तो लाल है बाकी के जो आम है वो लाल नहीं है। इसी तरीके से हमने ये डायग्राम से आपको समझाया था, ठीक है, यहाँ पर आपको सर्वव्यापी अंशव्यापी के बारे में समझ में आ गया होगा इन 2 डायग्रामों से, कि यहाँ पर ये जो जानवर है ये टोटल है, ठीक है, जो सभी के सभी गायें हैं ये क्या है, जानवर है, ठीक है। यहां से हमें पता चल रहा है कि सभी गाय क्या है, जानवर है, सभी गाय क्या है, जानवर है, ये हमें यहां से पता चल रहा है। इसी तरीके से इस वाले स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि कुछ गाय क्या है, जानवर है, ठीक है। इस वाले स्टेटमेंट से भी यही पता चल रहा है हमें कि कुछ जानवर गाय है,
ठीक है, कुछ जानवर गाय है ये भी कह सकते हैं हम, और ये भी कह सकते हैं कि सभी गाय जानवर है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट निकलते हैं यहां से। उसके बाद हमने डिस्कस किया था गुण के आधार पर, एक अफर्मेटिव था और दूसरा नेगेटिव था, ठीक है, जिसको हम सकारात्मक और नकारात्मक बोलेंगे। सकारात्मक में क्या होता है कि जो गुण है उसकी उपस्थिति होती है, मतलब जो उद्देश्य होता है उसमें विधेय की उपस्थिति होती है, तो उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, सकारात्मक कहते हैं। और जो अनुपस्थिति है, ठीक है, उद्देश्य में विधेय की जो अनुपस्थिति है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। मतलब दोनों के बीच में यदि संबंध है तो उसको हम क्या कहेंगे, यदि दोनों के बीच में संबंध है तो उसको हम सकारात्मक अफर्मेटिव कहेंगे, और यदि दोनों के बीच में संबंध नहीं है तो उसको हम नकारात्मक या नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। जैसे सभी आम लाल हैं, तो यहां पर जो लाल रंग है उस आमों में उपस्थित है, यहां पर बताया जा रहा है कि जो लाल रंग है वो आमों में उपस्थित है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में, मतलब किस किस के, आम के और लाल रंग के बीच में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक सकारात्मक संबंध है, इसलिए हम इसको अफर्मेटिव या सकारात्मक कहेंगे। वहीं यदि हम नकारात्मक के बारे में डिस्कस करें, तो नकारात्मक के बारे में क्या है कि सभी आम लाल नहीं है, क्या बोला जा रहा है यहां पर, सभी आम लाल नहीं है, मतलब है कि जो आम है उनमें लाल रंग उपस्थित नहीं है, मतलब आमों के बीच में और लाल रंग के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, इनके बीच में एक अच्छा सकारात्मक संबंध नहीं है, ठीक है। ये सकारात्मक और नकारात्मक हो गए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन दोनों का मैंने ये डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम से भी आपको ओवरऑल ये समझ में आ जाएगा कि सकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है। भाई यहां पर देखो, सभी आम फल है, ठीक है, तो फलों में आम उपस्थित है, ठीक है, कुछ फल आम है, तो यहां पर कुछ फलों में आम का गुण उपस्थित है। इसमें क्या हुआ कि कुछ गाय जानवर है, कुछ गाय जानवर गाय है, तो यहां पर भी उपस्थिति इंडिकेट हो रही है, लेकिन यहां पर हम बात करें तो यहां पर क्या है, आम और सब्जी अलग अलग है, मतलब ना तो आम सब्जी में उपस्थित है ना सब्जी आम में उपस्थित है, तो यहां पर क्या है, अनुपस्थिति है, क्या यहां पर अनुपस्थिति है और यहां पर उपस्थिति है, बस इतना सा लॉजिक था जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए था, जो ऑलमोस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आदमी और जानवर का भी मैंने इसी तरीके से एक प्यारा सा एग्जाम्पल दिया था। अब हम शुरुआत करते हैं आज का जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में। तर्क वाक्य टोटली चार प्रकार के होते हैं, जो तर्क वाक्य है टोटल चार प्रकार के होते हैं, एक ए होता है, एक ई होता है, एक आई होता है, एक ओ होता है, ठीक है, ए ई आई और ओ, इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो इनको मैं याद करने का एक तरीका बताता हूं, ए ई आई ओ, ठीक है, इन चारों को आपको इस तरीके से याद कर लेना है, डायग्राम, ये डायग्राम आपके बहुत ज्यादा काम आएगा आगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में हम रिलेशनशिप को भी पढ़ेंगे कि ए और ई के बीच में कैसा रिलेशन है, ए का आई के साथ कैसा रिलेशन है, ए का ओ के साथ कैसा रिलेशन है, इसी तरीके से ये जो इनके बीच का रिलेशनशिप है इनको हम सभी के संबंध में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आगे थोड़ा सा आगे चल के पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, एक बार इनका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो सीन क्या है, यहाँ पर हम ए ई आई ओ को समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर ई लिख दिया, यहाँ पर आई लिख दिया, यहाँ पर ओ लिख दिया, ठीक है, इन चारों को समझने की कोशिश करना, इसको समझ जाओगे ना इस डायग्राम को, मैं अब जो आपको समझाने वाला हूँ समझो, ये आधा टॉपिक आपका समझ में आ जाएगा, आधा जो कॉन्सेप्ट वो आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। यार इसमें चलो खाली जगह नहीं है इसमें, चलो यहां पर ही मैं समझाता हूं। मैंने यहां पर ए लिख दिया, यहां पर ई लिख दिया, बीच में लिखो आपको ए ई आई और ओ, ये हमने चारों को लिख दिया। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में सकारात्मक नकारात्मक सर्वव्यापी अंशव्यापी के बारे में बताया था,
देखो यहां पर ये जो ए और ई है ना, ए और ई, ये सर्वव्यापी है, ठीक है। आई और ओ ये अंशव्यापी है, ठीक है, इसको लिख लेना। ई और ओ ये नकारात्मक है, ठीक है। ए और आई ये सकारात्मक है, ठीक है। ये चारों के चारों इन शब्दों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है, सकारात्मक नकारात्मक के बारे में, कि कौन सा सकारात्मक है और कौन सा नकारात्मक है, ठीक है। तो इसको एज इट इज आपको ध्यान में रखना है कि जो ए और ई है वो क्या है, सर्वव्यापी है। ए और ई सर्वव्यापी है। एक बार इनको मैं यहां पर लिख लेता हूँ, मैं लिखना भूल गया ये, और जस्ट एक मिनट रुकना प्लीज। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अब यहां से देखो, यहां पर मैं देखो इन दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है, सर्वव्यापी है। मैं यहां पर सर्वव्यापी लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं इन दोनों के बारे में, ये दोनों क्या है, अंशव्यापी है। मैं यहां पर अंशव्यापी लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन दोनों के बारे में, ये क्या है, सकारात्मक है, ये क्या है, नकारात्मक है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना भाई, सर्वव्यापी अंशव्यापी सकारात्मक नकारात्मक, इतना मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। अब इसको समझ लेते हैं भाई, ए के बारे में बताओ, ए की दो विशेषता हो गई, पहला ए सर्वव्यापी भी है, दूसरा ए सकारात्मक भी है। ध्यान रखना, सकारात्मक को विधेयात्मक भी कहते हैं, विधेयात्मक भी कहते हैं, ठीक है। जो नकारात्मक है उसको निषेधात्मक भी कहते हैं, ठीक है। ये आप पर्यायवाची शब्दों को याद कर लेना, सकारात्मक को विधेयात्मक भी कहा जाता है, और इसके अलावा जो नकारात्मक है उसे निषेधात्मक भी कहा जाता है। हेलो, हाँ जी, हाँ किस किस को भाई, यहाँ पर क्लास सही ढंग से चल रही है, आपके कोई इश्यू आ रहा है? हेलो, हाँ जी, ठीक है। अब देखो,
ये सकारात्मक, इसको विद्यात्मक भी कहा जाता है, नकारात्मक को निषेधात्मक भी कहा जाता है। तो यहां से आपकी ये दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे, दो कंसेप्ट सीखने को मिलेगा कि ए सर्वव्यापी है, ए सकारात्मक है। ई के बारे में मैं डिस्कस करूं तो ई सकारात्मक भी हुआ, ई नकारात्मक भी हुआ। ओ की दो विशेषता, ओ नकारात्मक भी हुआ, ओ अंशव्यापी हुआ। आई की दो विशेषता, आई अंशव्यापी भी हो गया और आई सकारात्मक भी हो गया। ठीक है, तो इनको आप ऐसे लिख लो, ए क्या है सकारात्मक और क्या है सर्वव्यापी है। ठीक है, उसके बाद ई, ई क्या है सर्वव्यापी नकारात्मक है। आई क्या है अंशव्यापी सकारात्मक है और ओ क्या है अंशव्यापी नकारात्मक है। ठीक है, ये चारों की चारों विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। तो ओवरऑल यहां से आपको इतना तो समझ में आई ही गया होगा कि हमने इनको, ए को हमने सर्वव्यापी विद्यात्मक क्यों कहा, ठीक है, ई को हमने सर्वव्यापी निषेधात्मक क्यों कहा, इसके अलावा आई को हमने अंशव्यापी विद्यात्मक क्यों कहा और ओ को हमने अंशव्यापी निषेधात्मक क्यों कहा। ये सकारात्मक क्यों, ये नकारात्मक क्यों, ये सकारात्मक क्यों, ये नकारात्मक क्यों, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा यहां से। ठीक है, अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहां पर कि इनसे रिलेटेड विशेषताएं क्या क्या है जिनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना ही होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम सर्वव्यापी विद्यात्मक या सर्वव्यापी जो सकारात्मक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सर्वव्यापी सकारात्मक है उसको हम कैपिटल ए कहते हैं, जो मैंने आपको अब भी बताया था। अब इससे रिलेटेड ये वाला जो स्टेटमेंट है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने और भी कुछ लिख रखा है डिटेल से, लेकिन यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो जहां से हमारे फिलहाल में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको केवल इतना पढ़ना है, मैं बता रहा हूं उतना ही। देखो, जो सर्वव्यापी विद्यात्मक है जिसको हम सर्वव्यापी सकारात्मक कहते हैं, जिसको हम कैपिटल ए के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या होता है उद्देश्य भी व्याप्त होता है और विधेय इसमें क्या होता है अव्याप्त होता है। मतलब जो कैपिटल ए है इसकी दो विशेषताएं, इसमें उद्देश्य तो क्या है व्याप्त है और विधेय क्या है इसमें अव्याप्त है। ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल ए सर्वव्यापी सकारात्मक है, जो सर्वव्यापी विधेयात्मक है, इसकी विशेषता क्या है कि उसमें, इसमें जो उद्देश्य है वो व्याप्त है और विधेय क्या है इसमें अव्याप्त है। अब यदि डिस्कस करें एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल प्यारा सा आप खुद बना सकते हो, क्योंकि मैंने सकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक, सर्वव्यापी और अंशव्यापी, ये चारों मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया और इन चारों के मैंने अलग अलग सेपरेट सेपरेट एग्जाम्पल भी समझाया। तो आप इसे खुद एग्जाम्पल बना सकते हो। एग्जाम्पल कैसे बनाओगे भाई, ए, ए की दो विशेषता है, एक तो ये सर्वव्यापी है, ठीक है, दूसरा ये सकारात्मक है, ये दो इसकी खास विशेषता है। तो इसे एक एग्जाम्पल बनेगा, सभी आम लाल है, ठीक है, सभी लड़कियां शिक्षित है, ठीक है, मतलब वहां पर आपको गुण की उपस्थिति भी देखना है, विशेषता उद्देश्य में उपस्थित है, साथ ही साथ यूनिवर्सल तरीके से बात की जा रही है, सर्वव्यापी तरीके से डिस्कशन किया जा रहा है। अब ये जो नीचे एग्जाम्पल है इसमें मैंने केवल ये इस समझाया है कि ये किस तरीके से, जो मैंने अभी आपको बोला है ना इसी को मैंने इसमें लिखकर समझाया है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। ये एक मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से आप समझ जाओगे, सभी मनुष्य मरणशील है, ठीक है, तो जो मरने का गुण है वो सभी मनुष्यों में उपस्थित है, ठीक है, जो मरने का गुण है वो सभी मनुष्य में उपस्थित है। तो यहां पर विशेषता का उद्देश्य में उपस्थित भी होना है, साथ ही साथ सकारात्मक तरीके से भी बात की जा रही है और सर्वव्यापी भी है, ये दोनों समझ में आ गए होंगे। उसके आगे हम डिस्कस करते हैं सर्वव्यापी निषेधात्मक के बारे में। जो सर्वव्यापी निषेधात्मक है उसको हम कैपिटल ई के द्वारा दिखाते हैं। अब कैपिटल ई की दो विशेषताएं हुई, पहली सर्वव्यापी हुआ ये, ठीक है, दूसरा नकारात्मक है ये। तो अब इसका एक एग्जाम्पल तो आप खुद बना सकते हो कि सभी आम लाल नहीं है, कोई भी आम लाल नहीं है, कोई भी लड़की पढ़ी हुई नहीं है,
सभी लड़कियां पढ़ी हुई नहीं है, तो ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए, ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको आप डायरेक्टली याद कर लो कि उद्देश्य पद व्याप्त है, विधेय पद भी व्याप्त है, ठीक है। जो कैपिटल ई है उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों क्या होते हैं, व्याप्त होते हैं, उद्देश्य और विधेय दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब देखो यहां पर मैंने इसका एक प्यारा सा डायग्राम बना दिया कि सभी लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, तो यहां पर क्या हो रहा है, गुण उपस्थित नहीं है, ठीक है भाई, शिक्षित और लड़की, ठीक है। तो जो शिक्षित होने का गुण है ना वो लड़कियों में उपस्थित नहीं है, तो शिक्षित होने का गुण यदि लड़कियों में उपस्थित नहीं है तो ये दोनों जो डायग्राम है लड़की का और शिक्षित होने का दोनों अलग अलग सेपरेट सेपरेट बनेंगे, क्योंकि जो शिक्षित होने का गुण है वो इसमें उपस्थित नहीं है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अंशव्यापी विधेयात्मक के बारे में, जिसको हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं। अब ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है इसके लिए मैंने एक प्यारा सा आपको एग्जाम्पल दिया था, और वो एग्जाम्पल क्या था हमारा, चलो आप खुद बताओ, जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, ठीक है, जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है ये कौन सा होगा, कैपिटल आई होगा। कैपिटल आई की दो विशेषता भाई, ए ई आई ओ, दो विशेषता हो गई, एक तो ये अंशव्यापी हो गया, ठीक है, और दूसरा ये क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। तो अब इसका एक एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, कुछ आम लाल है, मतलब अंश में कुछ जो शब्द वो हमें अंश के बारे में बता रहे हैं, और कुछ आम लाल है, तो यहां पर नहीं शब्द का उपयोग नहीं हो रहा, मतलब जो लाल रंग है वो कुछ आमों में उपस्थित है, मतलब लाल रंग की उपस्थिति के बारे में बात की जा रही है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इसका एग्जाम्पल, यहाँ पर उद्देश्य अव्याप्त होता है और विधेय भी यहाँ पर अव्याप्त होता है। इसका प्यारा सा एग्जाम्पल ये रहा भाई, कुछ खरगोश धावक, तीव्र धावक है, ठीक है, तो कुछ खरगोश तीव्र धावक हैं, इसके दो डायग्राम बन सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या बनाया, ये खरगोश बनाया, इन खरगोशों में से कुछ थे जो तीव्र धावक थे, तो ये वाले ऐसे खरगोश हैं जो क्या है, तीव्र धावक हैं। इसके अलावा हम ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, हमने ये खरगोश बना लिया और ये वो खरगोश है जो धावक है, ठीक है, तो ये वाले कौन से खरगोश है जो धावक है, तो ये इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं अंशव्यापी निषेधात्मक के बारे में, पर्टिकुलर नेगेटिव के बारे में। अब ये पर्टिकुलर नेगेटिव क्या होता है इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर नेगेटिव क्या होता है। देखो पर्टिकुलर नेगेटिव, इसके लिए हमने कैपिटल ओ का उपयोग किया था। कैपिटल ओ हमें दो के बारे में बताता है, पहला अंश के बारे में बताता है, मतलब अंशव्यापी के बारे में बताता है, दूसरा नकारात्मक के बारे में बताता है। इसके बारे में नकारात्मक के बारे में बताता है और अंशव्यापी के बारे में बताता है, ठीक है। जो कैपिटल ओ है वो हमें नकारात्मक और अंशव्यापी के बारे में बताता है, तो इसका हम खुद एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, इसका हम एक प्यारा सा एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हैं, और वो एग्जाम्पल बना हुआ है बिल्कुल सिंपल सा कि कुछ खरगोश तीव्र धावक नहीं है, ठीक है, कुछ खरगोश तीव्र धावक नहीं है, ये इसका एक प्यारा सा सिंपल सा एग्जाम्पल बन गया। हेलो, हाँ जी,
अब इसी में हम डिस्कस करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक डायग्राम बनाया जो मैंने अभी आपको समझाया था, इसको मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने तर्क वाक्य लिखा, यहाँ पर उद्देश्य लिखा, यहाँ पर विधेय लिखा, ठीक है। ए ई आई ओ, ए में क्या है, उद्देश्य व्याप्त है, और विधेय क्या है, अव्याप्त है। ई में क्या है, उद्देश्य व्याप्त है, विधेय भी व्याप्त है। आई में क्या है, उद्देश्य अव्याप्त है, विधेय भी अव्याप्त है। ओ में उद्देश्य अव्याप्त है और विधेय व्याप्त है। इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस टेबल को। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है क्रॉस मैचिंग का, ठीक है। वो क्या करेगा, इसको लिस्ट फर्स्ट दे देगा, ठीक है, और इन दोनों को लिस्ट सेकंड दे देगा और मैच करवाएगा कौन सा किसके साथ सम्मिलित है। तो ये इस तरीके से सम्मिलित तो होंगे, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है। अब थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं, तर्क वाक्यों के बीच में जो संबंध है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इस डायग्राम से, कि तर्क वाक्यों के बीच में किस तरीके का संबंध होता है और कैसा संबंध होता है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको डायग्राम याद कर लेना है। यहाँ पर कैपिटल ए, यहाँ पर कैपिटल ई, यहाँ पर कैपिटल आई और यहाँ पर कैपिटल ओ, ठीक है। अब ये जो कैपिटल कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल ए हमें किसके बारे में बता रहा है, सभी आम लाल के बारे में बता रहा है कि सभी के सभी जो आम है वो लाल है। ई बता रहा है कि कोई भी आम लाल नहीं है, ठीक है। आई बता रहा है हमें कुछ आम लाल है, ठीक है, और ओ बता रहा है कि भाई कुछ आम लाल नहीं है, ठीक है। अब देखो, सभी आम लाल हैं, कोई भी आम लाल नहीं है, दोनों क्या है, एक दूसरे से विपरीत हैं। समझने की कोशिश करना, सभी आम लाल हैं, कोई भी आम लाल नहीं है, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे से अपोजिट है, विपरीत है, इसलिए इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, विपरीत का संबंध होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ की बात की जा रही है, कुछ आम लाल है, कुछ आम लाल नहीं है, तो मतलब विपरीत तो नहीं हो सकता। विपरीत तो कब होता, जब सभी आम लाल नहीं होते और सभी आम लाल होते, तो इसलिए यहां पर सभी आम लाल है, सभी आम लाल नहीं है, तो ए और ई के बीच में विपरीत का संबंध है। इसको कॉमन सेंस के बेस पर भी याद कर सकते हो। उसके बाद जो आई ओ है, यहां पर इन दोनों के बीच में उप विपरीत का संबंध है। किसका संबंध है, उप विपरीत ठीक है, यहां पर इन दोनों के बीच में उप विपरीत का संबंध है। ए आई और ई ओ के बीच में उपाश्रय अधीनस्थ का संबंध है, ए ओ और ई आई के बीच में व्याघातक का संबंध है। तो भाई इन दोनों को याद करने का तो तरीका आ ही गया आपको, कि सभी आम लाल है, कोई भी आम लाल नहीं है, मतलब सभी आम लाल नहीं है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ए और ई के बीच में कैसा संबंध है, विपरीत का संबंध है, ठीक है। कुछ आम लाल है, कुछ आम लाल नहीं है, यहां पर इन दोनों के बीच में भी विपरीत का संबंध है, लेकिन वो पूर्णतः विपरीत का संबंध नहीं है, ठीक है ना, आधे आमों के बीच में ही क्या है, विपरीत का संबंध है। इसलिए ये क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको हम उप विपरीत या परस्पर विरुद्ध का संबंध कहेंगे। अब बचा ये वाला, ए और आई, ई और ओ के बीच में उपाश्रण या अधीनस्थ का संबंध है, ठीक है, और बचा ये वाला, ए ओ और ई आई के बीच में व्याघातक का संबंध है, ठीक है। बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया होगा। इन दोनों को तो आपको ने याद कर ही लिया कि विपरीत, उप विपरीत या परस्पर विरुद्ध,
ये दोनों आपने लॉजिक से समझ लिया, बचे ये दो, इनके आप नाम याद कर लो, ठीक है, कि इन भुजाओं के बीच में अधीनस्थ या उपासरण का संबंध है और इनके बीच में व्याघ्यातक का संबंध है। अब इनको आप इंग्लिश में भी याद करो, क्योंकि ये इंग्लिश में याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हिंदी के शब्द ना पर्यायवाची बहुत ज्यादा होते हैं तो हिंदी वालों की दिक्कत आ जाती है, कई बार इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है। देखो ये जो व्याघातक संबंध है इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रोडक्टरी बोलते हैं, ठीक है, इसको कॉन्ट्ररी संबंध बोलते हैं, ठीक है, इसको सब कॉन्ट्ररी संबंध बोलते हैं, इसको सब अल्टरनेशन का संबंध बोलते हैं, ये सब अल्टरनेशन, ये सब अल्टरनेशन, ये कॉन्ट्ररी, ये सब कॉन्ट्ररी और ये कॉन्ट्रोडक्टरी, ठीक है। अब यहां से आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी का संबंध है, आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी का संबंध है, ठीक है, ए आई और ई ओ के बीच में सब अल्टरनेशन का संबंध है, वहीं ए ओ और ई आई के बीच में कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध है, ठीक है। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, यहां से भी मिलान का क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ठीक है, कि कॉन्ट्ररी संबंध किस किस के बीच में है, सब कॉन्ट्ररी का संबंध किस किस के बीच में है, सब अल्टरनेशन का संबंध किस किस के बीच में है और कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध किस किस के बीच में है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको इसको भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब हम शुरुआत करते हैं यहां पर कॉन्ट्रोडक्टरी के बारे में, कि कॉन्ट्रोडक्टरी क्या है और किस तरीके से है। ये देखो जो कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध है वो किस किस के बीच में, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो, इसको समझ में आ गया ना तो समझो आप पूरा समझ जाओगे। भाई ए ई आई ओ, यार मेरे को लगता है मेरा जो गला है ना वो खराब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, मतलब सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। अब देखो कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध है इन दोनों के बीच में है और इन दोनों के बीच में है, ठीक है, कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध इस तरीके से है। अब ये क्या है, सर्वव्यापी है, ये अंशव्यापी है, ये सर्वव्यापी है, ये अंशव्यापी है, ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक है, ठीक है। तो देखो जो सर्वव्यापी है और अंशव्यापी, ये दोनों हमें परिणाम के बारे में बता रहे हैं, परिमाण के बारे में, मतलब मात्रा के बारे में बता रहे हैं। और जो सकारात्मक और नकारात्मक है, ये दोनों हमें गुण के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, गुण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ ए और ई, ए और ओ, ए और ओ में देखें हम तो क्या है भाई, ए तो सकारात्मक है और सर्वव्यापी है, ओ अंशव्यापी और नकारात्मक है, मतलब ए और ओ के बीच में परिमाण, जिसको मात्रा भी कहते हैं, परिमाण, मात्रा और गुण, दो तीनों के आधार पर क्या है, अंतर है, मतलब परिमाण के आधार पर भी अंतर है और गुण के आधार पर भी अंतर है, ठीक है। वहीं यदि मैं डिस्कस करूं ई और आई के बारे में, भाई ई में क्या है, यूनिवर्सल भी है और ई क्या है, नेगेटिव है। वहीं यदि मैं डिस्कस करूं आई के बारे में तो आई क्या है, पर्टिकुलर है और पॉजिटिव है, ठीक है, पर्टिकुलर है, अफर्मेटिव है, चाहे पॉजिटिव कह दो। तो ई और आई है जो मात्रा के आधार पर भी अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि ई में तो यूनिवर्सल की बात की जा रही है और आई में पर्टिकुलर की बात की जा रही है, तो दोनों में मात्रा के आधार पर भी अंतर है।
यदि मैं गुण के आधार पर देखूं तो दोनों में गुण के आधार पर भी अंतर है, क्योंकि ई में नकारात्मकता का गुण है, मतलब जो विशेषता है वो गुण में उद्देश्य में उपस्थित नहीं है। वहीं यदि मैं डिस्कस करूं आई के बारे में तो आई में सकारात्मकता का गुण है, मतलब जो विशेषता है वो उद्देश्य में उपस्थित है। ठीक है, तो बिना इसको रटे हुए आपके दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट तो बैठ ही गया होगा कि जो ए ओ के बीच में जो संबंध है उसमें गुण के आधार पर और मात्रा के आधार पर भिन्नता है, ई और आई के बीच में गुण के आधार पर और मात्रा के आधार पर भिन्नता है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगला सीन और थोड़ा सा अलग ट्विस्ट का है। दोनों एक साथ ना तो सत्य हो सकते और ना ही असत्य हो सकते। ठीक है भाई, ये दोनों एक साथ न तो सही हो सकते और दोनों एक साथ न ही गलत हो सकते, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। आप इन दोनों को ना तो एक साथ सही कह सकते और ना ही इन दोनों को आप एक साथ गलत कह सकते। अब सही गलत की बात कहां भाई, यहां पर हम सर्वव्यापी की बात कर रहे हैं कि सब है, यहां पर हम अंशव्यापी की बात कर रहे हैं कि कुछ है। अब मैं आपको कहूं कि सभी आम लाल है और कुछ आम लाल है, तो आप खुद कह दोगे कि भाई आप क्या बता रहे हो, एक बार तो आप बोल रहे हो सभी आम लाल है, वही दूसरी बार आप बोल रहे हो कि कुछ आम लाल है, मतलब इन दोनों के बीच में दोनों को न तो हम सत्य कह सकते। आप खुद बताओ, मैं आपको कहूं कि सभी आम लाल है कुछ आम लाल है, तो दोनों में आप कौन से को सत्य मानोगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। आप खुद मेरे से पूछोगे कि एक बार ये तो बताओ कि कौन सा दोनों में सही है, दोनों में से सही कौन से को मानो। गुण के आधार पर देख लो, एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है। मैं बोलूं कि सभी आम लाल है, कोई भी आम लाल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सभी आम लाल है कुछ आम लाल नहीं है। ठीक है, ए और ओ के बीच में जो संबंध होगा कैसा होगा, ए कहेगा कि सभी आम लाल है क्योंकि यहां पर उपस्थिति की बात की जा रही है, ओ कहेगा कि कुछ आम लाल नहीं है क्योंकि यहां पर अनुपस्थिति की बात की जा रही है। तो फिर आप कहोगे कि भाई एक बात बताओ, आप दोनों बोल रहे हो, दोनों में कंफ्यूज कर रहे हो। तो ध्यान रखना, इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट का एक टाइप है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो समझ में आ जाएगा आपको। यहां पर इन दोनों को ना तो आप सत्य सिद्ध कह सकते और ना ही असत्य कह सकते, ना तो सही कह सकते ना गलत कह सकते, क्योंकि एक सर्वव्यापी है वही सामने वाला अंशव्यापी है, एक सकारात्मक है वही सामने वाला नकारात्मक है, एक नकारात्मक है सामने वाला सकारात्मक है, एक सर्वव्यापी है सामने वाला अंशव्यापी है। इसलिए ना तो दोनों को सत्य कहा जा सकता ना दोनों को असत्य कहा जा सकता, इसको याद रख लेना बस। ठीक है, इसका मैंने ये प्यारा सा एग्जांपल लिख दिया है, बिल्कुल जो मैंने अभी समझा है उसी के बेस पर है, जो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कॉन्ट्रेरी की बात करते हैं कि कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप क्या होता है। देखो जो कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप है वो ए और ई के बीच में है। कॉन्ट्रेरी का संबंध किस किस के बीच में, ए के और ई के बीच में है। एक किस किस के बारे में बात कर रहा है, यूनिवर्सल के बारे में और अफर्मेटिव सकारात्मक के बारे में बात कर रहा है। ई है जो पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है और नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर भी वही सिचुएशन आ गया, यहां पर तो बिल्कुल ही अलग सीन हो गया भाई। एक जगह तो आप उपस्थिति की बात कर रहे हो, दूसरी जगह आप पूर्ण अनुपस्थिति की बात कर रहे हो। ठीक है, यहां पर आप यूनिवर्सल की बात कर रहे हो, यहां पर भी आप यूनिवर्सल की बात कर रहे हो, मतलब दोनों परिमाण के आधार पर तो क्या समान है, परिमाण के आधार पर तो दोनों क्या समान है, क्योंकि दोनों जगह संपूर्ण की बात की जा रही है, सर्वव्यापी की बात की जा रही है, लेकिन दोनों गुण के आधार पर बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ए में गुण की उपस्थिति की बात की जा रही है क्योंकि यह सकारात्मक है, ई में गुण की अनुपस्थिति की बात की जा रही है क्योंकि यह नकारात्मक। ठीक है, तो जब एक ही उद्देश्य और विधेय वाले दो तर्क आपस में एक साथ सत्य नहीं हो सकते तब उन्हें परस्पर विपरीत कहा जाता है। भाई आप ये दोनों किसी भी हाल में एक साथ सत्य नहीं हो सकते, कोई कंडीशन नहीं है जो दोनों कथन एक साथ सही हो। भाई मैं बोलूं कि सभी आम लाल है, कोई भी आम लाल नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल विपरीत है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट किसी भी हाल में एक साथ सही नहीं हो सकते। यदि एक तर्क वाक्य सत्य होगा तो दूसरा तर्क वाक्य पूर्णतः निश्चित रूप से असत्य होगा।
तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप बोलेंगे, ठीक है। और आगे हम डिस्कस करते हैं सब विर उप विरोधी या फिर परस्पर विरुद्ध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी। एक सीधा शब्द याद कर लो, सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी का जो संबंध है वो आई और ओ के बीच में है। मतलब आई भी क्या है, पर्टिकुलर है, ओ भी क्या है, पर्टिकुलर है, ठीक है। आई सकारात्मक है जबकि ओ क्या है, नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो यहां पर भी वही सीन आ गया, ठीक है भाई। ये तो क्या है, सकारात्मक है, ये क्या है, नकारात्मक है, दोनों पर्टिकुलर है, मतलब परिमाण, परिमाण या मात्रा, परिमाण या मात्रा के आधार पर दोनों क्या है, एक समान है, क्योंकि दोनों में कुछ या अंश की या कुछ भाग की बात की जा रही है। लेकिन गुण के आधार पर दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि एक में उपस्थिति की बात की जा रही है और एक में अनुपस्थिति की बात की जा रही है। अब ध्यान रखना, जब एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय वाले तर्क वाक्य एक साथ असत्य नहीं हो सकते, परंतु एक साथ सत्य हो सकते हैं। भाई ये एक साथ सही नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ ये असत्य नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ सत्य जरूर हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, परस्पर विरोधी का संबंध कहेंगे। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे कैसे थोड़ा ध्यान रख लेना, जो क्वेश्चन बनता है ना वो हमारा एग्जाम्पलों से बनता है यहाँ पर, ठीक है। परिमाण समान है, गुणता के आधार पर अंतर है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं सब अल्टरनेशन के बारे में। देखो, जो सब अल्टरनेशन का संबंध है वो ए और आई, सॉरी, सब अल्टरनेशन का संबंध है जो ए और आई, ठीक है, ई और ओ, इनके बीच में है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या है, यूनिवर्सल है, पॉजिटिव है। ये क्या है, पर्टिकुलर है, पॉजिटिव है। ये क्या है, यूनिवर्सल है, नेगेटिव है। ये क्या है, पर्टिकुलर है और नेगेटिव है, ठीक है। तो भाई इन दोनों के बीच में गुण के आधार पर तो क्या समानता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में भी गुण के आधार पर क्या है, समानता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में मात्रा के आधार पर अंतर है, ठीक है, मात्रा के आधार पर अंतर है, क्योंकि एक यूनिवर्सल की बात कर रहा है और दूसरा पर्टिकुलर की बात कर रहा है। और यहां पर भी मात्रा के आधार पर अंतर है, क्योंकि एक यूनिवर्सल की बात कर रहा है और दूसरा पर्टिकुलर की बात। बस इतना याद कर लो, जब उद्देश्य और विधेय एक समान होते हैं तो उसको हम सब अल्टरनेशन का संबंध कहते हैं। और इसका मैंने ये एक प्यारा सा एग्जाम्पल दे दिया, इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपको क्या क्या याद करना है, मैं ये समझा देता हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेलो, ठीक है। अभी एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर ही, ताकि ये पता चल जाए। देखो क्वेश्चन बनेगा ज्यादातर, अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ का उदाहरण है, या फिर ये चार एग्जाम्पल दे देगा। जैसे ये एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, उसमें से फाइंड आउट करवा लेगा कि इनके बीच में कैसा संबंध है। तो ये दोनों के दोनों आपको, हेलो, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको सही ढंग से याद करने हैं। अब इसमें देखो आपको याद क्या क्या करना है, दोनों के बीच में, मतलब ये जो चार संबंध बताए मैंने, इन चारों संबंधों में कौन कौन सा है, मतलब कॉन्ट्रोडक्टरी का संबंध किस किस के बीच में, कॉन्ट्रेरी का संबंध किस किस के बीच में, सब अल्टरनेशन का संबंध किस किस के बीच में, और सब कॉन्ट्रेरी का संबंध किस किस के बीच में। एक तो आपको ये याद करना है, दूसरा आपको इनके एग्जाम्पल याद करने, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप खुद बना सकते हो, और मैंने पूरी पूरी कोशिश की आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। अब आपको यहाँ पर रटना है केवल और केवल ये वाला, जब एक उद्देश्य विधेय वाला तर्क वाक्य एक साथ सही नहीं हो सकता, एक साथ सत्य हो सकता है।
इसको भी समझा देता, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। और यहां से डायरेक्टली ऐसे कैसे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है, यहां से कभी एग्जाम्पल बेस पर टाइप नहीं क्वेश्चन नहीं बनता। एग्जाम्पल बेस पर जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी यदि कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जरूर पूछना कल वाली क्लास में, ठीक है। कल वाली क्लास में जो भी आपके डाउट वगैरह कंफ्यूजन वगैरह है उनको हम 100% क्लियर करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स भाई मेरे प्यारे साथी।